ब्रॉट टू यू बाय सेंसोडेंट के। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। तो लीजिए सुन लीजिए, बहुत देर से शोर मचा रहे थे, ये शेर सुन लीजिए। अजीज मियां अपनी कव्वाली के बीच में किसी बहुप्रतीक्षित समय को या शेर को इस तरह बयान किया करते थे कि आ गया वो मौका, आधा समय कोविड की हाय हाय में निकल गया और ऐसा लगा कि 2024 के चुनाव कुछ जल्दी आ गए हैं। बताइए, पहले चरण की वोटिंग भी हो गई, पहले चरण की सीटों के हासिल क्या रहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, खासतौर से जिस नाराजगी का जिक्र हौले हौले होने लगा था, क्या वो चुनावों तक बनी रही या कुछ मंद पड़ गई, और तमिलनाडु में जो क्लीन स्वीप का दावा विपक्षी गठबंधन का है उसकी हकीकत क्या है, क्योंकि चेन्नई के तट पर चिल कर रही मछलियां ये बताती हैं कि 13 सीटों पर ठीक ठाक मुकाबला है, और क्या हाल है बिहार के, मध्य प्रदेश के और पश्चिम बंगाल के, उस पर भी बात करेंगे। आधिकारिक तौर पर चुनावी समय का पहला नेता नगरी पेश है, मैं हूं कुलदीप। तो नेता नगरी के पहले सत्र में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश राजनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण प्रदेशों में से है, 80 सीटें हैं यहाँ पूरे देश में सबसे ज़्यादा लोकसभा की, और पहले चरण में जब हम लोग बात कर रहे हैं 8 सीटों पर अभी इस वक्त मतदान हो रहा है। वो 8 सीटें हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत। ये इसलिए महत्वपूर्ण है ये सीटें क्योंकि 2019 के जब चुनाव हुए थे तब इसमें से 5 सीटें, 8 में से 5 सीटें जो यूपीए गठबंधन था कांग्रेस के लीडरशिप वाला, जिसमें उस समय सपा, बसपा और आरएलडी भी हुआ करती थी, 8 में से 5 सीटें उस गठबंधन ने जीती थी और बीजेपी सिर्फ 3 जीत सकी थी। हालांकि 2014 की जो नरेंद्र मोदी की वेव थी उसमें ये सभी सीटें, 8 की 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। इस बार के समीकरण अलग हैं क्योंकि आरएलडी अब वापस आ चुकी है एनडीए में और बसपा अलग स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रही है, सपा और कांग्रेस का गठबंधन है। हमारे साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर बात करने के लिए दो हमारे साथी हैं। प्रीति चौधरी हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर इंडिया टुडे टीवी की, अभी राजस्थान में थी पर उससे ठीक पहले वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश घूम करके आई हैं, उनसे बात करेंगे। और लखनऊ से हमारे साथ आशीष मिश्र जी जुड़ रहे हैं जो एसोसिएट एडिटर हैं इंडिया टुडे हिंदी मैगजीन में, इंडिया टुडे हिंदी पत्रिका में आप उनकी रिपोर्ट्स देखते पढ़ते हैं, वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा करके आए हैं। पहला सवाल प्रीति आपसे, चूंकि आप अभी राजस्थान से दिल्ली आई हैं, उससे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थी, जो ये शेखावाटी का इलाका है चुरू, सीकर और झुंझुनू वाला, जाट बेल्ट उसको कहा जाता है, पिछले 8-10 महीने या और एक साल, पिछले एक साल की राजनीति देखें तो ये सवाल नेशनल इशू था कि जाट जो है नाराज़ हैं भारतीय जनता पार्टी से। उसके 2-3 कारण थे, फार्म लॉज का मुद्दा, ब्रजभूषण शरण सिंह का मुद्दा एकदम रिसेंट था, उसके पहले अग्निवीर का मुद्दा क्योंकि बड़े पैमाने पर वहाँ से लोग सेना में जाते हैं या जाना चाहते हैं। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वो भी तब ऐसा लगता था कि उन्हीं के साथ है, अलाइंड है, क्योंकि राकेश टिकैत इसी इलाके से आते हैं जो किसानों के बड़े नेता हैं। अब जब चुनाव हो रहा है ऐसा लग रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, क्या ऐसा लग रहा है आपको, मैं पूछ रहा हूँ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट उस हरियाणा और राजस्थान की जो बीजेपी से नाराजगी थी उससे अलग करके अपने आप को देख रहा है, चूंकि आरएलडी के नेता अजीत सिंह के बेटे जयंत सिंह अब चले गए हैं बीजेपी के साथ, क्या उनके पीछे पश्चिम उत्तर प्रदेश का जाट कमल के फूल पे वोट दबाने जा रहा है? देखिए, ये जो आपने दो कंपैरिजंस किए, जो शेखावटी रीजन है अगर आप देख लें, 3 महीने पहले जब चुनाव हुए थे राजस्थान में, ये एक ऐसा रीजन था जहां पर जमकर जो कांग्रेस का होल्ड था, रहा था, और अगर आप जाट वोट की बात करें बहुत अलग हैं दोनों। अगर आप देखें जो जाट वोट वेस्टर्न यूपी का है और जो जाट वोट शेखावटी का है, ये रहना सहना थिंकिंग बहुत अलग है। किसान आंदोलन में भी जो शेखावटी के जाट थे वो नहीं जुड़े थे उतनी तादाद में जो वेस्टर्न यूपी के जाट थे। उनके मुद्दे अलग हैं, उनकी फाइट अलग है, और उनका जो पॉलिटिक्स जो है अगर मान ले वो काफी अलग है। सबसे बड़ा अगर मान ले ग्राउस मान ले या सबसे बड़ी शिकायत उनकी क्या रही है, क्योंकि अगर आप देखें राजस्थान में जो जाट एक कम्युनिटी है जो बहुल मान ले बहुत परसेंटेज वाइज 14-15% जाट हैं, बाकी जैसे 9% ये हैं राजपूत और 7% है ब्राह्मण। पर आज तक अगर देखें, अगर आप ओबीसी को छोड़ के जो अशोक गहलोत हैं, जाट सीएम नहीं बना है, तो उनको ये लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा उनके दिमाग में रहा है कि जाट सीएम चाहिए जो हमारी बातें सुने। फिर आरक्षण भी मिला उन्हें राजस्थान में, तो उनकी पॉलिटिक्स अभी थोड़ी अलग है। इस बार भी जब
उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पर जो आप वेस्टर्न यूपी के बात कर रहे हैं कि जो अब जयंत चौधरी जो अब जुड़ चुके हैं भाजपा से, क्या ये जाट और जयंत आरएलडी का जो वोटर है वो सिर्फ जाट वोटर नहीं है, उनका मुसलमान 30% मुसलमान वोटर भी उनके लिए वोट करता है। तो एक और सवाल होता है कि क्या मुसलमान वोट ट्रांसफर होगा भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि वो आरएलडी का वोटर था। अब अगर जाट समुदाय की बात करें जो सपोर्ट करता है, जब पॉकेट्स मान लीजिए मुजफ्फरनगर, कैराना, बागपत, बिजनौर, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्ड है जो जाट कम्युनिटी का है, जो आरएलडी का कार्डर मान लीजिए, जो आरएलडी में बिलीव करता है वो वाला जो किसान वोट है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। अब एक एग्जाम्पल दूंगी, 2019 की अगर आप फाइट देखें मुजफ्फरनगर की, अजीत सिंह चौधरी, अजीत सिंह जो जयंत जी के पिताजी हैं, और संजीव बालियान की लड़ाई, टफ फाइट थी, 6000 वोटों का, 6000 से जीते थे, 49% दोनों ने वोट शेयर लिया। उस वक्त जयंत चौधरी और अजीत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। तब तक अगर आप बात करें ना, जैसे मैंने बात की है बहुत लोगों से जो आरएलडी से जुड़े हुए हैं, वो कहते हैं धोखा हुआ था, उन्होंने भी बोला था कि इलेक्शन रिग किया गया है बीजेपी ने, अभी तक बात चलती है कि धोखा हुआ था, वो जीता नहीं जिताया गया था। ये आरएलडी का वहां पे कोर वोटर जो होता है ना, जो कहता है कि भाई हमें रात में भी सपना आया कि चौधरी साहब आए सपने में कि लल्ला को जिताना है, जो लल्ला माने जयंत, हाँ, तो वो वाला वोटर आपको कहेगा कि वो इलेक्शन अजीत ने जीता था, बताएंगे आपको। तो एक बात है कि जो आरएलडी का कार्डर है उनको बहुत, और जो वोटर है उसको मुश्किल होगी कि संजीव बालियान की आपकी अभी तक पूरी पॉलिटिक्स संजीव बालियान के खिलाफ थी, सिर्फ मुजफ्फरनगर को ले ले, अब आपको जिसको आपने 5 साल तक उसके खिलाफ आंदोलन छेड़ा लगाया, अब उनके लिए प्रचार भी करें, अब उनके लिए प्रचार भी करें। जयंत चौधरी जिन्होंने बोला था कि इन्होंने मेरे पिताजी को हराया, मेरे पिताजी को उनके घर से बाहर फेंकवाया, यहां पर भी तो हुआ था, जब अजीत सिंह ने घर नहीं छोड़ा था तो बीजेपी ने उनका सामान बाहर रख दिया था। और ये एक बहुत जाट का जो कम्युनिटी होती है ना, बहुत इमोटिव होती है। जैसे मैंने बात की, एक एक हमें किसान मिल गए थे, एक बग्गी जो होती है, बुग्गी जो बुग्गी कहते हैं, हाँ, उस पे बैठे हुए थे, गन्ना किसान थे, और उन्होंने बताया कि यहाँ पर इज्जत बहुत बड़ी है। अब उन्होंने उस कॉन्टेक्स्ट में बताया कि जयंत को अखिलेश इज्जत नहीं दे रहा था, पर बीजेपी ने दी तो इसीलिए वो गए। अब इसका उलट जो कॉन्ट्ररी है वो हमें और किसानों में दिखा कि भाई कैसे वोट कर लें, हम लोगों तो अजीत को हराया था, चौधरी साहब को हराया था। तो वो थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, जाट वोटर जो आरएलडी का है मुझे लगता है वो ट्रांसफर काफी कुछ हो जाएगा बीजेपी को। पर मुजफ्फरनगर में आप कह रही है कि त्रिकोणा कॉन्टेस्ट है, मुजफ्फरनगर की चलो अगर बात करें तो क्या है उसमें, संजीव बालियान है वर्सेस हरिंदर मलिक जो इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं, वहां पर सपा से आते हैं, वर्सेस दारा सिंह प्रजापति जो हैं बसपा के कैंडिडेट। इस बार क्या हो गया, सबसे पहला क्यों सीट फंसी हुई है, क्योंकि सीट फंसी हुई है मुजफ्फरनगर की, सीट फंसी हुई है, पर क्यों फंसी हुई है, सबसे पहला रीजन उसका है एंटी इनकम्बेंसी। तीसरा टर्म संजीव बालियान ढूंढ रहे हैं, बहुत लोग नाखुश हैं उनसे, क्योंकि दो बार पहले ही 14 में फिर 19 में वो क्या यहाँ से रह चुके हैं जो भी लोकसभा एमपी। पहला रीजन उसका एंटी इनकम्बेंसी है। दूसरा रीजन आप कह सकते हैं जो बसपा ने यूजुअली मुजफ्फरनगर में अगर उन्होंने मुसलमान कैंडिडेट दे दिया होता तो फिर आसानी हो जाती संजीव बालियान के, उन्होंने दिया प्रजापति, अब ऐसी कम्युनिटी से दिया, ओबीसी कम्युनिटी से दिया कि वो प्रजापति ट्रेडिशनली भारतीय जनता पार्टी का वोटर माना जाता है, ट्रेडिशनली भारतीय जनता पार्टी का वोटर है। तो बीएसपी ने चीजें आसान करने की जगह मुश्किल कर दी भाजपा के लिए मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर में। अब इसका तीसरा रीजन है जो बसपा जो सपा का कैंडिडेट है, मुजफ्फरनगर एक ऐसी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है 2013 के बाद यहाँ पे लोग अभी भी साइकिल का बटन नहीं दबाएंगे, उनको लगता है जहन में है 13 में जो दंगे हुए थे कि साइकिल का बटन मुश्किल से दबेगा, पर क्या हो गया है ना, इस बार हरिंदर मलिक एक बहुत बड़े जाट नेता है, अजीत सिंह से जुड़े हुए थे एक वक्त, फिर अजीत सिंह को छोड़ के सपा गए, सपा में बहुत काम किया और बहुत बड़े जाट फेस माने जाते हैं। तो लोगों से जब हमने बात की वो कह रहे हैं हमें साइकिल नहीं दिखती, हमें हरिंदर मलिक का चेहरा दिख रहा, और उनका काफी गुडविल है अगर आप हरिंदर मलिक की बात कर ले। और तीसरी बात त्यागियों का वहां पर, मतलब 1.5 लाख वोट है, अब वहां पर उन्होंने भी अपना इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा कर दिया कि भाई हमारा भी कुछ वजूद है। वहां पे क्या हो गया है ना, जो चुनाव पिछले दो इलेक्शन में रिलीजन पे हुआ करता था अब कास्ट में हो गया, ठाकुर जा गए, संगीत सोम की जो रंजिश चल रही है संजीव बालियान के साथ वो अलग ट्रैक है, उसमें ठाकुर नाराज है, हर
कोई मतलब सभा बुला लेता है ठाकुरों की उनके समेत में, फिर संजीव सोम कुछ और बोल लेता है। इंटरेस्टिंग चॉइस ऑफ वर्ड है, आपने रंजिश शब्द इस्तेमाल किया, उस पर विस्तार से मुझे अलग से बात करनी है। आशीष जी, एक कमेंट आपसे मैं पहले जाता हूँ, आप घूम के आए पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजपूतों की नाराजगी पे अलग से बात करेंगे क्योंकि वो थोड़ा अगली हो गया, और भारतीय जनता पार्टी में जनरली इस तरह से नहीं देखा जाता है कि अगर किसी को राजनीतिक तौर पर प्रतिनिधित्व ना मिले तो वो अपने नेता के बारे में ये कहने लगे कि ये तो गुंडे पालते हैं, उस पर मैं बाद में आऊँगा। लेकिन आपको क्या लगा कि किसी तरह की कोई लहर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, कोई मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है कि जैसे एक बड़ा फैक्टर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हावी है, इस तरह का कुछ मोमेंटम दिखा, या सीट वाइज अलग अलग एरिथमेटिक मैथमेटिक्स का गेम अधिक है? देखिए, अगर हम अभी सीट की बात ना करें तो एक चीज दो चीजें अलग दिखी है कि एक जो भारतीय जनता पार्टी का एक सभी सीटों पर एक करने की तैयारी दिखी, वो लोग अपना काम कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, मतलब कैंडिडेट के अलावा भी जो लोग वो लोग काम कर रहे थे। बाकी आप अगर देखें दूसरे जगह था जहाँ कैंडिडेट मजबूत था, जहाँ कैंडिडेट पैसे वाला था, वो अपना प्रचार कर रहा था, पार्टी और मुझे दिखी नहीं। मसलन जैसे मैं बागपत गया, वहां पर अमरपाल शर्मा चुनाव लड़े थे, मैं 8 अप्रैल को बागपत में था, फिर मेरा सांगवान साहब मैं टहल लिया तो मैंने अमरपाल शर्मा को फोन किया, मैंने कहा कि भाई आपसे मिलना है, तो उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ अभी एक जगह मीटिंग में हूँ टीएम के साथ और मैं फोन करता हूँ। तो मैं डीएम ऑफिस के बाहर खड़ा था, तो मैंने कहा पास में ही था, तो मैंने कहा अच्छा देख लेते डीएम ऑफिस में भी मिल जाए। जब मैं डीएम ऑफिस में पहुंचा तो उन्होंने कहा कि नहीं, देखा डीएम तो अंदर थे लेकिन वहां तो अमरपाल शर्मा नाम कोई आदमी दिखा नहीं, तो वो क्या, फिर मैंने फोन किया, हमने कहा था तो कुछ कोई है नहीं, मैं अलग मीटिंग से निकल के बाहर आ गया, तो पता लगा कि वो कहीं अभी उन्होंने अपना कहीं कुछ कैंपेन या किस तरह से कुछ स्टार्ट ही नहीं किया। 2 दिन बाद मुझे पता लगा कि उन्होंने अपना एक कहीं चुनाव कार्यालय खोला है, क्योंकि अगर आप जाएं, अगर 2-3 चीज देखेंगे कि जैसे मैं जब जाता हूं तो मैं देखता हूं कि जो चुनाव आदमी लड़ रहे हैं तो वो उनका सिस्टम क्या है, मतलब कितने चुनाव कहां कहां चुनाव कार्यालय खोल रखा है, तो जो एक तरीका ट्रेडिशनल तरीका होता है चुनाव लड़ने का उसको वो कितना फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि उसका उसका एक फर्क पड़ता है। तो मैं जब कहीं भी जाता हूं तो जितने 3 मेन प्रत्याशी होते हैं उनके चुनाव कर ले जाता हूं, वहां चुनाव कर ले देकर जो मेरा अपना अनुभव है वहां जाकर जब मैं वहां की जो एक गर्मी वहां का जो एक तरीका देखता हूं तब मुझे समझ में आता है कि वहां चुनाव प्रचार कितना हो रहा है। इस लिहाज से मैं अगर अपना आकलन दूं तो मुझे 8 सीटों पे अगर सबसे अच्छा विपक्ष का मतलब अगर व्यवस्था दिखी तो वो मुझे दिखी मुजफ्फरनगर में हरेन मलिक की, क्योंकि वो एक साल पहले ही प्रिपरेशन कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, और उनका बकायदा चुनाव कर लिया था, मैं सरधना में गया उनके साथ, उनके साथ रहा, और उन्होंने अपने छोटे छोटे बूथ लेवल पे वो मीटिंग कर, बड़ी बड़ी सभाएं नहीं कर रहे, वो सबके घर जा रहे हैं, एक बूथ लेवल पर वो मीटिंग करते हैं। और सबसे खास बात यह है कि वो जो राष्ट्रीय लोकदल के से जो लोग नाराज थे, मतलब उसमें बहुत से ठाकुर हैं, बहुत से जाट हैं, मुस्लिम्स हैं, पर्टिकुलर उनके गांव में जा रहे थे। मैं जब गया तो एक सकौरी गांव है, ये कंगनहर पड़ती है, उसमें उसमें वो पूरा आरएलडी का बेल्ट था, और किन्हीं कारणों से वो सब भाजपा से क्या वो इनसे नाराज थे, आपके संजीव बालियान से। तो वहां जब बात होने लगी तो बताया गया संजीव की एक सड़क पास हो रही थी इस नहर के बगल से, उसको बनना था, तो संजीव बालियान ने उसको आना कर बगल में एक गांव था जहां लोग बताते हैं कि उनके कोई रिश्तेदार है, उस रास्ते से सड़क को पास कराया, तो उसको लेकर पूरा गांव, वो जो गंग नहर के पार जाने का जो उसका रास्ता था वो थोड़ा सा उसको घूम के जाना पड़ा था। तो वहां जब जाने लगे तो वहां पे लोग ये कहने लगे कि भाई संजीव बालियान की लोगों ने तुलना की स्मृति ईरानी से, कहते जैसे स्मृति ईरानी बहुत उस तरह से बोलती है, संजीव बालियान भी बहुत मक्खन लगा के बोलते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है, ये वहां के लोग ये बात कह रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी जब मैं संजीव बालियान के साथ टहलने के बाद जब मैं पार्टी संगठन के साथ लगा देखा कि संगठन क्या काम कर रहा है, तो मुझे लगा कि पैरेलल भी एक काम चल रहा है वहां पर पार्टी संगठन के पैरेलल भी। तो क्योंकि होता क्या है कि वो जो पैरेलल पार्टी संगठन काम कर रही है वो कभी दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने पहली बार ये मैंने देखा कि जो उनके पन्ना प्रमुख है उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, उन्होंने दिखाया और उन्होंने क्या किया कि हर पन्ने पे 60 वोटर थे, तो उन्होंने उस 60 वोटर जो पन्ने बोते उसमें जो भाजपा के माइंडेड के वोटर हैं उसको उन्होंने वहां पर मुजफ्फरनगर में मैंने खास तौर पर देखा उसमें उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है सबका, मतलब हर पन्ना प्रमुख ने, और उस व्हाट्सएप ग्रुप पे वो क्या कर रहे थे, सिर्फ मोदी का भेजते थे, योगी की रैली का लिंक ये करना वो सब उसको वो भेजते थे। तो आप जब अगर आप ऐसे जाके फील्ड में बात करेंगे कि योगी और मोदी के बारे में पूछेंगे तो लोग
लोग बहुत वोकल नहीं है, क्योंकि इस बार जो प्रचार हो रहा है वो बहुत कुछ सोशल मीडिया पर और वर्चुअल माध्यम से भी हो रहा है। तो पहले ऐसे 19 में हम जाते थे कि लोग रैली निकलते थे और एकदम से वाइब्रेंट रहता चीजें, उस तरह नहीं दिख रहा है। तो उसका एक इसका भी ये एक पैरेलल चीज चल रही है, इसको भी कवर करना चाहिए, इसको भी देखना चाहिए कि वो संगठन कितना किस तरह से वो काम कर रहा है जो दिखाई नहीं पड़ रहा है। नंबर एक, सहारनपुर में भी थोड़ा सा, सहारनपुर में इकरा का अच्छा था, इकरा ने अपना, क्योंकि देखिए वो लोग अच्छा काम कर रहे थे जिनको इकरा टाइम मिला। कैराना से चुनाव लड़ रही है, सॉरी इकरा कैराना से चुनाव लड़ रही है, सॉरी हाँ कैराना से, कैराना सहारनपुर में इरान से। तो कैराना में जो इकरा का जो तरीका था, क्योंकि उसने अपने भाई का चुनाव 2022 लड़ाया था, उसका एक सिस्टम बना था, तो वो भी उसने अपना हर जगह चुनाव कर लिया, लोग उसके हर जगह दिखते थे। सहारनपुर में क्या है कि इमरान मसूद का बढ़िया है, लेकिन इमरान मसूद ने पूरा फोकस सिर्फ मुस्लिम वोटर्स को ही अपने को कंसोलिडेट करने लगा रखा है, क्योंकि उनकी लड़ाई सीधे माजिद अली से, वो देवबंद से आते हैं। तो ये जो मुझे जो वहां पर जो पश्चिम यूपी में 8 सीटों में जो टफ फाइट मुझे लग रही है, वो मुझे सिर्फ मुजफ्फरनगर और कैराना में लग रही है। बाकी आप देखिए रामपुर में पूरा वॉकओवर ही दे रखा है समाजवादी पार्टी ने। अच्छा, इसका बहुत मैसेज खराब गया है, जब रामपुर और मुरादाबाद में जो टिकट काटा गया है, इसका मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत खराब मैसेज, आजम खान की नाराजगी का मुस्लिम कम्युनिटी में एक मैसेज गया है कि भाई ये समाजवादी पार्टी ने इस तरह से उनके साथ बिहेव किया है। दूसरा बात, पश्चिम यूपी में पहली बार कोई मुस्लिम चेहरा नहीं दिखा। मैं शाहिद मंजूर से मिला, उन्होंने मुझसे, वो अलग चुपचाप बैठे थे, कोई काम नहीं करते, थोड़ा बहुत मेरठ में हाजी आयुको कुरैशी के लोग मेरठ उधर आ गए, मुजफ्फरनगर कुछ काम करते दिखे, लेकिन मुझे एक जो पहले एक मुस्लिम चेहरा हुआ करता था, बर्क साहब हुआ करते थे, आजम खान का पूरा पश्चिम में काम चलता था, वो इस बार वो मिसिंग रहा। और दूसरी ओर इस बार देखना होगा कि जो जैसे मैं जितनी रैलियां या सभाएं रोड शो कवर किए बीजेपी लीडर्स के, उसमें एक चीज थोड़ा अलग दिखा, वो सबकी मेरे पास पिक्चर्स भी हैं जी, कि रोड शो पे कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ मुस्लिम खासकर महिलाएं आ रही थी, ये सिग्निफिकेंट है। वो सब महिलाएं क्या थी, वो बहुत निचले तबके की थी। और सबसे खास बात ये था कि जो बीएसपी का डाउनफॉल हुआ है, खासकर आपको जो मुस्लिम डोमिनेंट इलाके हैं जहां किसी गांव में पूरी 100% मुस्लिम आबादी है जी, जब मैं 19 में और 14 में वहां जाता था तो वहां पे दो सेक्शन दिखते थे। एक सेक्शन जो लार्जर सेक्शन था वो समाजवादी पार्टी का डोमिनेंट सेक्शन हुआ करता था, और दूसरा सेक्शन हुआ करता था बीएसपी का, मतलब प्रधानी कभी उस गांव के सपा के नेता के पास होती थी तो कभी वो बीएसपी के नेता के पास हुआ करती थी। तो इस बार क्या हुआ कि जो बीएसपी का लीडरशिप था उस गांव में मुस्लिम, उसमें बहुत संख्या जो मुस्लिम लीडरशिप थी वो चली गई बीजेपी लीडरशिप के पास, बीजेपी का उसने पटका पहन लिया। उसका फायदा ये हुआ कि वो अब एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से वो डोमिनेंट हो गया उस गांव में, भले ही प्रधान दूसरा है समाजवादी पार्टी का है, अब उसके कहने पे वहां पर सड़क बन रही है, उसके कहने पे 4 मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। तो ये जो निचले गांव लेवल पे जो एक जो मुस्लिम्स में जो एक पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई है, तो धुई पॉलिटिक्स में जो बीएसपी कमजोर होने से जो दूसरा पक्ष ने बीजेपी का दामन थामा है, इसको भी देखना होगा कि ये हमारा वोट में कितना कन्वर्ट होता है जी। आपने बातें कहीं, 2-3 सिरे उससे निकलते हैं, मैं बारी बारी से एक एक करके बात करते हैं, क्योंकि वो अपने आप में बड़े बड़े विषयों के वृक्ष हैं। पहली चीज एग्रेसिव कैंपेन की बात प्रीति, कि क्या ऐसा है, जनरली आप देखें इंडिया अलायंस पर इस के बारे में कई बार इस तरह की बात होती है कि इंडिया अलायंस इस बार कुछ एक जगहों पर उतना एग्रेसिव नहीं दिख रहा है, वॉकओवर सा दे दिया है, इतना समय हो गया अमेठी रायबरेली से कैंडिडेट नहीं दे पाए हैं, या प्रचार उतना आक्रामक रूप से नहीं हो रहा है जितना बीजेपी के लिए जानी जाती है। ये वेस्ट यूपी की इन 8 सीटों पर जो कैंपेन्स हुए उनमें दोनों तरफ से जो प्रचार हुए उसको अगर आप समराइज़ करें, वो उसका मंजर कशी करें, किस कैसे वो दिख रहे थे। दूसरा, एक जो नैरेटिव है जब आप लोगों से बात करती हैं 14 और 19 के मुकाबले, तो वे स्थानीय नेताओं के नाम, अपने प्रत्याशियों के नाम ज़्यादा लेते हैं, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, राहुल गांधी, इनके नाम अधिक लेते हैं। देखिए, पहली बात जो आपने कैंपेन की बात की, अग्रेसिव कैंपेन,
मैं एक बात मैं मतलब मैं सहमत नहीं हूं, पर एक बात पे सहमत हूं, जो बागपत की सीट है हाँ, क्योंकि देखिए जो गठबंधन हुआ आरएलडी और बीजेपी में, दो सीटें गई हैं आरएलडी को, एक बागपत एक बिजनौर। बागपत में जो गठबंधन है आरएलडी की सीट है, पर बीजेपी के साथ, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो इंडिया अलायंस का जो वहाँ पे कैंडिडेट है, प्रत्याशी है, वो पीछे चल रहा है क्योंकि अग्रेसिवली कैंपेन नहीं कर रहा है, थोड़ा सुस्त है, एटलीस्ट दिखने में तो हमें ऐसा ही लगा। और वही आपको ग्राउंड फील भी वही लगी कि ज़्यादा सपोर्ट आपको दिखा, अब देखिए वो 4 जून तय करेगी कौन जीतेगा, पर ज़्यादा सपोर्ट आपको दिखा जो आरएलडी और भाजपा का कैंडिडेट था। पर मैं बाकी और जो सीट्स हैं उससे थोड़ी असहमत हूँ, क्योंकि मुझे पहली बार, क्योंकि मैंने 14 का चुनाव कवर किया, वो तो आपको जाते ही पता चल गया था कि एक मोदी वेव है, कि मतलब अच्छे दिन ही सुन रहा था बार बार जो कैंपेन है, जो 2019 का चुनाव था पुलवामा के बाद, जो नेशनलिस्ट फर्वर था आपको दिख रहा था कि चलिए कितना आने वाले हैं ये नहीं पता था, पर मोदी जी जरूर आने वाले हैं आपको दिख रहा था। और बिल्कुल जो डिसजॉइंटेड सा कैंपेन होता है उस वक्त ऑपोजिशन का आपको लगा, इस वक्त मुझे एक चीज डिफरेंट लगी है, एक फर्क है जो कैंडिडेट्स हैं, जो काडर है, सबसे बड़ी बात होती है काडर, जो झंडा लेके आगे चलता है कैंडिडेट के और घर घर जाके बताता है कि भाई इस पार्टी को वोट देना है। अब बूथ बाय बूथ लेवल कांग्रेस या समाजवादी पार्टी का इतना स्ट्रांग नहीं है जैसे भाजपा का, और एटलीस्ट जिन सीटों पर आरएलडी लड़ रही है उस गठबंधन का है, पर पहली बार मेरे को ग्राउंड पर लगा कि थोड़ी एनर्जी है जो गठबंधन का काडर है, जो गठबंधन का कैंडिडेट है। ये मुजफ्फरनगर में लगा, हरिंदर मलिक जो मैं जैसे, और लोगों को जो ठीक नहीं बैठा मुझे लगा, मैंने संजीव बालियान जी का रोड शो कवर किया जयंत के साथ एक बस में, जिसमें बाहर निकल के दोनों ने वेव किया और वापस अंदर आके बैठ गए, फिर हमने लोगों से बाहर बात की। इसमें हरिंदर मलिक ओल्ड स्कूल जो 70 और 80 के दशक में कैंपेन होता था वैसा कर रहा है, एक ट्रैक्टरों की लाइन होती है उन पे बैठ जाता है। अब मैं गई, मुझे पहला ट्रैक्टर गया, दूसरा ट्रैक्टर गया, मैं ढूंढ रही भाई हरिंदर मलिक किधर है, और एक ट्रैक्टर था, तीसरे ट्रैक्टर पे कम से कम उस ट्रैक्टर पे 15 लोग होंगे, वो पीछे बैठा हुआ है 15 लोगों के बीच में, मतलब कोई नेता की फील नहीं, वो दे रहा है कि मैं तुम्हारा आदमी हूँ। और ये अभी संजीव बालियान थोड़ा बड़ा हो गया है, तो उस सीट पे मुझे लगा। और उस पे ना जो इकरा हसन है कैराना में, बहुत कह रहे हैं कि एक ऐसा चुनाव लड़ रही हैं जो पिछली बार हुआ, जाकर हर कम्युनिटी के पास जा रही हैं, उनको थोड़ा सा इंडियर कर रही हैं, मुसलमान इकरा की सीट पे इतना नहीं है जितना मुजफ्फरनगर में है, पर तभी भी लग रहा है एटलीस्ट कैराना में कि वो दूसरी कम्युनिटीज़ के लोगों को खींच रही हैं और वो एनर्जाइज कैंपेन लग रहा है। नगीना की बात करूंगी, चंद्रशेखर आज़ाद हैं अपनी खुद की पार्टी से, अपना समाज पार्टी एएसपी से, उन्होंने खूब कोशिश की कि इंडिया अलायंस में आ जाए, उनको जगह नहीं मिली, बहुत कहते हैं क्योंकि अखिलेश नहीं चाहते थे कि एक दलित नेता वहां पर उभरे। कि नगीना की जो सीट है रिजर्व सीट है, एपिसेंटर माना जाएगा एटलीस्ट वेस्टर्न यूपी में, उस सीट को अगर आप ब्लू पॉलिटिक्स कहें, जो दलित पॉलिटिक्स होती है वहां पर, जो क्राउड्स हैं वो चंद्रशेखर आज़ाद बहुत पुल कर रहे हैं, जो मुसलमान हैं बहुत आ रहे हैं उनकी रैलीज में, हमने पूरी एक उनको मतलब 24 घंटे तक फॉलो किया, एक एनर्जी है उनके कैंपेन में। पर हाँ लगता है कि, और अगर आप देखें 2 दिन पहले अखिलेश यादव और राहुल गांधी नगीना में पहली उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पहला रोड शो किया जब उन्होंने कैंपेन इकट्ठा किया वेस्टर्न यूपी में, और वो रीज़न ये भी है कि वहाँ पर एक सेंस है कि जो चंद्रशेखर आज़ाद है वो मुसलमान का वोट बांट रहा है। वहाँ पर एक एससी कैंडिडेट भी हैं बीएसपी से, और वो एससी नहीं मतलब जो एससी रिप्रेजेंटेशन है बहुत है, जो बीएसपी के कैंडिडेट हैं वो एससी वोट लेके जा रहे हैं, तो इस सीट पे लगता है हो सकता है कि बीजेपी आराम से सेल थ्रू कर सकती हो सकते है, चंद्रशेखर आजाद बीजेपी का रास्ता आसान कर दे। और अगर आप सहारनपुर की बात करें, बहुत इंटरेस्टिंग वो मतलब सीट इंटरेस्टिंग है सबसे ज्यादा, आप सहारनपुर पे आ रही है, मैं उसमें ये एक पंक्ति जोड़ना चाहता हूँ, आशीष जी ने जिक्र किया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुसलमान इस बार अपना कोई एक नेता नहीं देख रहा है, जैसे हर बार शायद आजम खान का जिक्र होता था, इमरान मसूद हालांकि चुनाव लड़ रहे हैं वहां से, इस संदर्भ से भी बताइए सहारनपुर सीट को, क्योंकि वहां बसपा ने जो प्रत्याशी खड़ा किया है रामपुर और मुरादाबाद के साथ साथ, सहारनपुर से भी बीएसपी ने जो कैंडिडेट खड़ा किया है वो मुसलमान समाज से आता है। और वो ऐसा हो सकता है क्योंकि वो मुसलमान समाज से आता है, इमरान मसूद जो काफ़ी टाइम पहले बीएसपी में थे, उसके पहले एसपी में, फिर कांग्रेस पे 19 का चला लड़ा पर अब वापस कांग्रेस में आ गए हैं, और जो बीजेपी से हैं राघव लखनपाल शर्मा,
इसमें, क्योंकि मुस्लिम कैंडिडेट अगेंस्ट अ मुस्लिम कैंडिडेट के बीजेपी फिर राघव लखनपाल शर्मा निकल जाए हो सकता है, क्योंकि मुस्लिम डोमिनेटेड सीट है सहारनपुर, और जो एससी है वो अगर चला, वो एससी वर्ग डिसाइड कर लेगा कि कहाँ, क्योंकि अगर वो चला जाए इसके पास बीएसपी के पास, क्योंकि मायावती ने वहाँ पर रैली की है, आकाश जी आए हैं वहाँ पर, उन्होंने भी रैली की है, तो देखते हैं उसका क्या होता है। पर जो मुसलमान है ना, जो कह रहे हैं कि अपना नेता नहीं ढूंढ रहे हैं, जिन जिन से मैंने बात की, मैं थोड़ा सा इसमें डिफर करूंगी, मोस्ट जो अधिकतर जो मुस्लिम वोट है उसने अपना माइंड बना लिया है कि एकजुट गठबंधन के साथ रहेंगे, जिनसे आप बात करें, जो मुझे लगा नहीं है, जो थोड़ा परसेंटेज कटेगा, और ऐसा नहीं है कि बीजेपी को वोट नहीं जा रहा है, बीजेपी को वोट जा रहा है इसमें, क्योंकि जो बिल्कुल ही कहते हैं लाभार्थी हैं जो मुसलमान सेगमेंट में, उसमें मैंने बहुत मुसलमानों से बात की, माइनॉरिटी लोगों के उनसे बात की, के कोटा मिल रहा है मतलब राशन मिल रहा है, घर मिल रहा है मतलब आवास मिला है, शौचालय मिला है, और इसके में उनको लगता है कि भाई हमको बोला कि हम जो हमें ये दे रहा है हम उसके साथ है, हमारे नेताओं ने हमें कुछ नहीं दिया, तो वो लाभार्थी कट करेगा जो मुस्लिम जो बीजेपी का वोट है इनटू द मुस्लिम वोट बैंक। पर मोर और लेस इस बार मुझे लग रहा है कि मुसलमान वोट एटलीस्ट वेस्ट यूपी में एक तरफा गठबंधन की तरफ है। ठीक है, एक सवाल आशीष जी आपसे, फिर प्रीति से भी इस पर एक छोटा कॉमेंट, बसपा जो कर रही है इस चुनाव में, क्या उसमें आप कोई एक सोची समझी कोशिश देख पा रहे हैं, कोई ट्रेंड देख पा रहे हैं कि ये बसपा करना चाहती है? क्योंकि जब हम मुजफ्फरनगर सीट की ओर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बसपा का उम्मीदवार वहाँ हो सकता है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार को फायदा पहुंचा दे, और जब हम सहारनपुर देखते हैं तो बिल्कुल तस्वीर उलट नजर आती है। बिजनौर भी वैसा ही है, बिजनौर देखिए, बिजनौर में लगता है बसपा नंबर वन पे चल रही है कभी कभार। तो ये इसमें क्या कोई ट्रेंड है, या बसपा सिर्फ अपना चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ रही है बिना किसी राजनीतिक प्रेरणा के? किसको सपोर्ट कर रही है, किसको पीछे से अंदर खाने सपोर्ट कर रही है, इस सवाल में नहीं पड़ना चाहिए, आपकी राय क्या है आप जितना घूमे? देखिए, दो तीन चीजें बहुत स्पष्ट हैं। मैं जितना टहल के आया उसमें मुझे जो 14 और 19 में बीजेपी को जितना वोट कॉन्स्टिट्यूंसी में मिला है, मुझे उसमें कोई बहुत कमी होती नहीं दिख रही। नंबर एक पूरा जनरल परसेप्शन है, बाकी नतीजे आएंगे, उसमें कोई बहुत हमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि जिन जिन पॉकेट्स में गया लोग, ये पहले भी होता था, 19 में ज्यादा वाइब्रेंट था, क्योंकि सपा बसपा आरएलडी सब मिलकर लड़ रहे थे, और बिल्कुल एक 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 पश्चिम में बड़ा करंट था, क्योंकि मैंने जो स्टोरी लिखी थी तो मुझे देखा था उस समय, तभी कह रहा था। देखिए, हो क्या रहा है कि बसपा अगर कोई बीजेपी से कोई वोट परसेंट तोड़ रही है, तो क्या वो उतना बीजेपी का कम वोट कर रहा है कि सपा जीत जाएगी? ये बहुत सिग्निफिकेंट पॉइंट है। अगर हम अगर यही वोट टूट करके सपा तक जा रहा होता तो सपा जीत, तो सपा स्ट्रांग हो रही होती। देखिए, सिर्फ बीजेपी के वोट कम हो जाने से सपा का सपा आगे आ जाएगी, क्योंकि ज्यादातर आप देखेंगे कि अब आप जब 19 के वोट से बट कंपेयर करिए, 14 के तरीके से कंपेयर करिए कि किसको सपा कितना वोट मिला था, उसमें बसपा कितना हो रहा था कि उसमें, तो आप देखेंगे कि भाजपा और सपा के वोट में हर जगह पर कम से कम नहीं तो 10% का अंतर था। हम उसको ये मान ले, चलो ठीक है 5% का भी अंतर रहा होगा, लेकिन अगर वो बीजेपी बसपा अगर बीजेपी से प्रजापति जो कि 1 लाख वाला वोट है उसमें से अगर चलिए मान लेते हैं मेजोरिटी अगर वो छीन भी रही है, तो वो उस फाइट को ट्रायंगुलर बना रही है। अगर यही वोट अगर जो सेकेंड नंबर की पार्टी है उस पर जुड़ रहा होता तो वो जीत रही होती। तो इससे मुझे लगता है जो बीजेपी की जो बसपा पे जो वोट बीजेपी की नाराजगी का जा रहा है, वो इसके मतलब कि वो बढ़ रहा है, क्योंकि जब तक बीजेपी की नाराजगी का वोट भाजपा से टूटकर एक जगह इकट्ठा नहीं होगा, तब तक भाजपा को हराना थोड़ा मुश्किल होगा, भाजपा के पास एक पूरा सेट वोट है। तो ये एक बड़ा इशू होगा। अब कहते हैं कि बीएसपी ने सिर्फ एक प्रजापति या त्यागी खड़ा कर दिया या ठाकुर खड़ा कर दिया तो उससे काम चल जाएगा, मुझे बहुत उसमें बहुत वो समझ में नहीं आता, क्योंकि उससे किसको जिताओ वोट किसको मिल रहा है। तो ये 4 तारीख को भाई बतलाएगा कि बीएसपी का क्या है, बीएसपी ने क्या किया है कि बीएसपी ने अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए हर जगह फाइट को ट्रायंगुलर बनाने के लिए अपनी प्रायोरिटी स्ट्रेटजी लगी, ताकि उसकी एक प्रेजेंस बने रहे, उसके भी कैडर को ये पता लगे कि हाँ हाथी भी चुनाव लड़ रहा है कसके। तो इसलिए उसने अपना रिलेवेंस बनाए रखने के लिए उसने बहुत सलीके से वोट दी। राजनीति में वैसे भी हमेशा 2 + 2 = 4 नहीं होते, इसलिए सिर्फ गणित का खेल नहीं है वो।
राजपूतों की नाराजगी का जिक्र आपने किया, एक उदाहरण मुजफ्फरनगर है जहां संगीत सोम इत्तेफाकन राजपूत समाज से आते हैं, संजीव बालियान के खिलाफ खुलेआम बयान दे रहे हैं। संजीव बालियान भी कह रहे हैं कि पार्टी सब देख रही है, चुनाव के बाद कार्रवाई भी होगी। इस पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में राजपूतों की 2-3-4 बड़ी पंचायतें हुई हैं अलग अलग, और उसमें बार बार ये प्रण लिया गया, ये शपथ उठाई गई कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार वोट नहीं दिया जाएगा। उस नाराजगी के 2-3 कारण बताए जाते हैं, जिसमें पहला कारण है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसमें बीजेपी ने इस बार सिर्फ एक राजपूत उम्मीदवार उतारा है, मुरादाबाद से सर्वेश सिंह, और जितना रिप्रेजेंटेशन दिया जाना चाहिए था राजपूत समाज का कहना है कि उतना दिया नहीं गया। उसी बीच पुरुषोत्तम रूपाला की गुजरात से टिप्पणी आ गई जिस पर बड़ा विवाद हुआ। ये जो नाराजगी है प्रीति, 2-3 चीज़ें कि ये पंचायत के भाषणों में, पंचायत के स्टेज पर बहुत दिखती है जब राजपूतों की सभा होती है या पंचायत जो भी कहें, लेकिन जब आप ग्राउंड पर जाते हैं और बात करते हैं तो ये कितनी रिफ्लेक्ट होती है? क्या ये राजनीति से प्रेरित है? मेरा मतलब है कि क्या ये विपक्ष की ओर से पैदा की गई नाराजगी है या ग्राउंड पर दिखती है ये नाराजगी? देखिए, पहली बात तो अगर मान लीजिए ठाकुर कहेंगे उनको यूपी में, राजस्थान में राजपूत, गुजरात में क्षत्रिय, मान लीजिए यही, पर ये किस कुछ भी कह लीजिए, ये कोर बीजेपी वोटर रहे हैं अभी तक। अब नाराजगी है, एक उनको लग रहा है कि भाई हमारी जो कम्युनिटी है उसको भी इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, और स्पेशली जो हम वेस्टर्न यूपी में देख रहे हैं। पर बात एक ये भी है, मैं इस नज़रिए से देखती हूँ इसको, क्या जो ठाकुर समाज है वेस्टर्न यूपी में जाकर साइकिल का बटन दबाएगा? नहीं दबाएगा। वो अगर गुस्सा है उसमें तो वो घर बैठ जाएगा, वोट नहीं करेगा, पर जाके सपा का बटन तो नहीं दबाएगा, जहाँ तक मुझे लगता है। अब जो इतनी सारी सहारनपुर में से शुरू हुई थी, जब सबसे पहली पंचायत हुई, महासभा हुई, वो सहारनपुर से शुरू हुई थी, फिर मुजफ्फरनगर में आई, पिछले 3 दिन में अब उसके बाद सहारनपुर में एक योगी आदित्यनाथ की रैली हुई जो खुद ठाकुर हैं, राजनाथ सिंह अचानक से राजनाथ सिंह जी आए वहां पर जो खुद ठाकुर हैं। तो एक प्लान था बीजेपी का कि इसको प्लकेट करना है या इस कम्युनिटी को मनाना है, क्योंकि ये आपका कोर वोट बैंक रहा है। अब उन दो रैलियों से क्या फर्क पड़ा, क्योंकि आप ये तो कह सकते हैं कि मोदी वेव इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितना 2019 में था, पर आपको ये भी कहना पड़ेगा कि योगी वेव बहुत स्ट्रांग है अभी भी पश्चिमी यूपी में, जो मतलब पहले था या उससे ज्यादा ही हो रहा है। तो अगर वो उस बात से देख ले, तो क्या योगी आदित्यनाथ और उनकी रैलीज ने अफेक्ट किया जो राजपूत, जो ठाकुर वोट है वहां पर? मुझे वोटिंग परसेंटेज हमें बहुत बड़ी एक आंकलन दे देगा, एक या विंडो दे देगा गेज करने में कि क्या हुआ है। अगर मुझे लगता है वोटिंग परसेंटेज कम है तो बीजेपी बैकफुट पर है, अगर वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है, मुझे लगता है बीजेपी, कहते हैं ना अंग्रेजी में, इज होम इन 8 सीटों पे। ठीक है, ये जो राजपूतों की नाराजगी, ठाकुरों की नाराजगी का सवाल है, ये आपके सामने किस रूप में आया जब आप पश्चिम उत्तर प्रदेश आए थे आशीष? मतलब इसमें कई चीजें हैं, जैसे मिसाल के तौर पर गाजियाबाद सीट है, वीके सिंह वहां से चुनाव, उसके पहले राजनाथ सिंह चुनाव लड़ते थे, वीके सिंह का क्या है? ये नाराजगी आज की नहीं है, ये नाराजगी मई 2023 की है। आपको याद होगा, तब भी मैं सहारनपुर गया था, यहाँ पे मिहिर भोज का जो इशू चल रहा था, मिहिर भोज का, वो उससे जुड़ा इशू है। पश्चिम ये पहले गुर्जर वर्सेस ठाकुर था, इसमें ठाकुर, इसमें ये जो है ये पूरन सिंह जी है। देखिये क्या है कि पश्चिम में इस समय क्या हो गया ना, जब राकेश टिकैत का उभार हुआ, तो जब राकेश टिकैत ने जब अपना किसान आंदोलन किया, तो दूसरी जातियों को लगा, छोटी जातियों को, कि भाई हम भी तो हैं यहाँ नेता, दिन भर राकेश टिकैत चलते हैं। तब आप देखिए बीते 2 सालों में कौन आया, वो त्यागी, आपको याद होगा नोएडा में वो भर के सामने आए। इसलिए में मिहिर भोज का इशू आ गया, गुर्जर वर्सेस राजपूत आ गए, तो एक राजपूत लीडरशिप भी उधर के आई, पूरन सिंह, उन्होंने ठाकुर महासभा बनाई, और एक ये कोशिश किया कि भाई, कहा गया कि गुर्जर मेहर भोज जो थे वो क्षत्रिय सम्राट थे। और तो उसके बाद आप देखेंगे कि पश्चिम में छोटे छोटे जातियों के लीडर्स अचानक से उभर के आ गए 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद से, तो ये सब उसी का टसल। अब ये चल रहा था, ये गुर्जर वर्सेस ये था, मतलब राजपूत था यहाँ पर वेस्ट यूपी में, सहारनपुर में ये मैच चल रहा था। प्रदीप चौधरी का कैरानास में विरोध कर रहे थे कि प्रदीप चौधरी ने गुर्जरों की सभा कराई थी, बस इसलिए प्रदीप चौधरी और अतुल प्रधान ने, जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। तो हुआ क्या कि वहां से बात चलती शुरू हुई, फिर ये बात में आकर ये
संजीव बलियान पे टिक गई, लेकिन क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इसमें संगीत सोम और सुरेश राणा जो कि जिस तरह से इनको हाशिए पे किया गया उसके खिलाफ एक विरोध था। लेकिन इसी के बीच में आप देखेंगे कि बीजेपी ने उसको कंपनसेट करने की कोशिश की है। सत्येंद्र सिसोदिया को उन्होंने पश्चिमी यूपी का क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया है जो कि एक ठाकुर है। फिरोजाबाद मैनपुरी में बीजेपी ने अभी ठाकुर कैंडिडेट को टिकट दिया है। इसके अलावा आप अगर देखेंगे तो बीजेपी के इसमें 98 महानगर और जिला संगठन है, उसमें 1/3 ठाकुर समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं, 75 जिले हैं, 75 जिलों में मोर देन 20 में ठाकुर डीएम कमिश्नर हैं। तो ऐसा नहीं, तो इसलिए जब अगर आप इनका रिप्रेजेंटेटिव और योगी आदित्यनाथ ही है जिसको, तो ये जो ठाकुर की नाराजगी है ये नाराजगी एक पर्टिकुलर 2-3 आदमियों को लेकर है। प्रदीप चौधरी को लेकर है जो कराना से बीजेपी के उम्मीदवार है, संगीत सोम को लेकर है, मोदी मोदी दोनों बुराते, लेकिन योगी आदित्यनाथ को लेकर वहां उनमें किस, मैं तो जिस दिन पूरन सिंह की पहली नैरेज सहारनपुर में थी 7 अप्रैल को, मैं उसमें वहां मौजूद था, उस समय भी 6 अप्रैल को सॉरी उस समय भी वो लोग योगी आदित्यनाथ को कोई कुछ नहीं कर रहा था। देखिए जब तक ये ठाकुर समाज ये नहीं कहता है कि मैं बीजेपी को हराने के लिए समाज पार्टी को वोट करने जा रहा हूँ तरफा, तब तक समझिए कि वो बीजेपी के ही समर्थन में खड़ा है। ये आमतौर पर सभी वोटर के बारे में राय, ट्रेडिशनली भारतीय जनता पार्टी जो उनके जो वोटर हैं अगर वो कभी कहीं कहीं नाराज होते हैं तो हमने कुछ उदाहरण देखे हैं कि वो चुनाव से 1-2 दिन पहले बीजेपी की हिस्ट्री की उनको मना लेते हैं। गुजरात में पटेलों की नाराजगी एक उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण। सबसे अच्छा एग्जांपल आपका एमपी का चुनाव है, मध्य प्रदेश चुनाव एक मॉडल, उसका अध्ययन होना चाहिए कि बीजेपी कितना नाराज थी और उसके बाद भी देखिए वो कितनी सीट लेके आए। ठीक है प्रीति, एक चीज और कि आपसे जाते जाते आप, मुझे मालूम है आपका समय हो रहा है शो का, कौन सी ऐसी सीटें हैं मैं पूछ रहा हूँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत थोड़ी सी मुश्किल है? मुझे लगता है कैराना, मुजफ्फरनगर 2 सीटें हैं जो मुझे लग रहा है, देखिए टफ फाइट है, मुझे मैं ये बोल सकती हूँ, मुझे नहीं पता मुश्किल है कि नहीं है, पर फाइट में है, और जो गठबंधन का फाइट में होना इस वक्त काफी बड़ी बात है इनका। आप जिन सीटों पे होकर के आई हैं, मैं उनसे ही बात बोलूं, उनमें किन सीटों मुझे लग रहा है मुजफ्फरनगर कैराना सीट फाइट पर है, मुझे लग रहा है बिजनौर फाइट पर है, बिजनौर में मुझे एक्चुअली लग रहा है कि बसपा अच्छा कर रही है, वहां पर बसपा ने एक जाट कैंडिडेट दिया है जो आरएलडी का जाट वोट काट रहा है और वो एससी भी बहुत स्ट्रांग है, मुसलमान भी जा रहा है, तो मुझे एटलीस्ट ये 3 सीट लगती हैं। सहारनपुर में बहुत लोग कह रहे हैं आगे हैं, मुझे नहीं लगा, मुझे लगा है राघव लखनपाल निकाल लेंगे। नगीना मुझे हुजूम तो क्राउड तो बहुत लगा चंद्रशेखर आज़ाद की रैली में, एक माहौल बना रखा है उन्होंने, क्या वो माहौल वोट में ट्रांसलेट करेगा या बीजेपी एडवांटेज रहेगी, और क्योंकि अभी सपा ने भी और कांग्रेस ने भी अपनी पूरी वहां पर जोर लगा रखा है एक पिछले दिनों से, या कुछ होगा, मुझे लग रहा है पॉसिबली एडवांटेज बीजेपी है नगीना में। सुनने में हमारी जो और टीम है वो गई है, वो कह रहे हैं मुरादाबाद एक ऐसी सीट है जो गठबंधन निकाल सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रीति आपने समय दिया। आशीष जी आखिरी आपसे एक सवाल कि रामपुर मुरादाबाद और पीलीभीत इन 3 सीटों का पर हम थोड़ा कम बात कर पाए, अगर आप संक्षेप में इन 3 सीटों का एक हाल बता सके हमें। देखिए मुरादाबाद में तो जो रुचि वीरा है वो उतना इफेक्टिव चुनाव लड़ भी नहीं पा रही है क्योंकि अखिलेश की रैली ने सभा ने किया उससे जो कुछ हो पाया कर पाए। एसटी हसन की नाराजगी वो एक बड़ा इशू है वहां पर, खासकर मुरादाबाद में, क्योंकि देखिए क्या है मुरादाबाद रामपुर ये सब सीटें ऐसी थी जिनमें भाजपा 2019 के बाद से लॉस्ट सीटों पर अपने एक बड़ा कार्यक्रम भी चला रही थी, तो ये भी एक इशू है कि वहां पर एक्चुअली में बहुत कमजोर कैंडिडेट दिया बीजेपी, जिस लोकसभा सीट ने अजदुद्दीन जैसे कैंडिडेट को जिताया हो वहां पर आपने रुचि वीरा से एक कैंडिडेट दिया, उससे एक लोगों में एक नाराजगी है कि इतना आपने मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है वहां पर आपने जो सीट है उसमें आपने एक बहुत कमजोर कैंडिडेट दे दिया। और वही हाल रामपुर में भी आप देखिए कि जो कैंडिडेट है मतलब उनको पार्टी के लोग ही नहीं, समाज पार्टी का एक आदमी उनके साथ नहीं चल रहा था जब मैं गया, वो तो यही था कांग्रेस के लोग जो नवाब खानदान है उसके कुछ लोग उनके साथ चल रहे थे तो उनके पास कुछ भीड़ थी, तो उनको लोग जान ही नहीं पा रहे हैं कि वो वहाँ पे आजम खान का कैंप पूरा उनसे अलग हो गया, वो जिशान अली को लड़ा रहा जो पठान है, तो वहां भी कहना कि ये बिना आजम खान के बिना वहां पे दिक्कत है काफी। आसिम आजाद कैंडिडेट थे वो थोड़ा मजबूत कैंडिडेट थे, वहां पर उनका पूरा सपोर्ट था, उनके ना होने से आजम खान के कैंप के थोड़ा शांत बैठने से दोनों जगह पर एक जो गठबंधन के कैंडिडेट है उनको नुकसान हो सकता है। जी
बहुत शुक्रिया आशीष आपका भी और प्रीति चौधरी आपका भी। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर ही हमने चर्चा की। अब बढ़ते हैं नेतानगरी के अगले सत्र की ओर। तो नेतानगरी के इस हिस्से में हम बात करेंगे तमिलनाडु के, दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा सीटों वाला राज्य। पहले फेज में अभी जब हम बात कर रहे हैं वहाँ वोटिंग चल रही है, 39 सीटें हैं वहाँ पर। 2019 का जो रिजल्ट था उसमें से 38 एक था, 38 सीटें हैं उसमें डीएमके जीती थी और एक सीट एआईएडीएमके जीती थी, बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। हालांकि वोट परसेंटेज उनका बड़ा था, 3-5% के बीच करीब था। इस बार बीजेपी अपने प्रॉस्पेक्ट्स को और बेहतर देख रही है वहाँ पर, जबकि सोशल मीडिया पर जब आप इंडिया अलायंस के समर्थकों के ट्वीट्स देखेंगे तो वो ये क्लेम करते हैं बार बार कि इस बार 39-0 होने वाला है। तमिलनाडु वो प्रदेश है जो क्लीन स्वीप करने वाला है इंडिया अलायंस के पक्ष में, डीएमके और कांग्रेस के पक्ष में। ऐसा कांग्रेस समर्थक और इंडिया अलायंस के समर्थक सोशल मीडिया पर अक्सर ये दावा कर रहे हैं चुनाव से पहले। इस विषय पर आज बात करेंगे कि तमिलनाडु में किसका पलड़ा भारी है, क्या बीजेपी अपने वोट परसेंटेज को कितना बढ़ा पाएगी, क्या कोई सीट है जो बीजेपी जीत सकती है। अन्नामलाई की सीट कोयम्बटूर की बड़ी चर्चा है। हमारे साथ इस पे बात करने के लिए अक्षिता नंदगोपाल हैं, डिप्टी एडिटर हैं और एंकर हैं इंडिया टुडे टीवी के, आप उन्हें देखते हैं। और हमारे साथ चेन्नई से जुड़ रहे हैं डी सुरेश कुमार, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, चेन्नई में ही हैं, द हिंदू में काम करते हैं। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू अक्षिता। डी सुरेश कुमार सर आपके पास पहले आते हैं। अभी जब हम बात कर रहे हैं आज ही एक खबर सूत्रों के हवाले से कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये आई है कि 13 सीट्स हैं जो डीएमके का इंटरनल सर्वे और स्टेट इंटेलिजेंस ने जिस ओर इशारा किया है कि ये 13 सीट्स हैं जो डीएमके के लिए इतना आसान बैटल नहीं होंगे, जहां थोड़ी टफ फाइट हो सकती है। उस सीट्स की लिस्ट आई एम श्योर आपके पास होगी, इसमें कोयम्बटूर भी है, थेनी भी है। क्या वो इन सीटों से आ रही रिपोर्ट्स, इस ये जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है उससे मेल खाती है, वाकई ये टफ फाइट वाली सीट्स हैं डीएमके के लिए? देखिए बात यह है कि अब यहाँ पे जो चार दल का चुनाव चल रहा है, चार दल है यहाँ पे, एक डीएमके लेड इंडिया अलायंस है, दूसरा है आपको एडीएमके का एक अलायंस फ्रंट है और तीसरा है आपको बीजेपी लेड एनडीए। ये पहली बार तमिलनाडु में बीजेपी ने अपना एक दल बनाया है, इसके पहले जब एनडीए था उसमें वो बीजेपी का अंग था, लेकिन फर्स्ट टाइम बीजेपी लीड कर रहा है एक अलायंस को। और चौथा एक पार्टी है नाम तमिल गच्ची करके, वो तो सारे 39 सीट पे वही खड़े हो रहे हैं, 39 सीट पे अलग से खड़े हो रहे हैं। तो अभी जब आपको वोट स्प्लिट होते हैं ऐसे, जो एंटी डीएमके वोट्स जो तीन पक्ष में स्प्लिट होते हैं, इसको देखने से आपको ये हमें ये लग रहा है कि अलायंस अरिथमेटिक के हिसाब से डीएमके बहुत कंफर्टेबल पोजिशन में है। उनका पहले का कहना था कि 40-40 यानी कि पुदुचेरी के एक सीट को मिला के बोल रहे थे कि 40 सीट हम जीत जाएंगे, लेकिन मेरे को लगता है 30-32 सीट उनको थोड़ा आसानी से मिल सकता है। लेकिन कुछ कुछ सीटें ऐसे हैं जो बहुत जहां पे बहुत बड़ा मुकाबला हो रहा है वहां पे, उसमें प्राइमरीली मैं कहूंगा नंबर वन सीट जो है धर्मपुरी है, यहाँ के पश्चिम तमिलनाडु में है, वेस्टर्न तमिलनाडु में है धर्मपुरी, तो वहां पे खड़े हो रहे हैं बीजेपी के समर्थन के साथ पीएमके के कैंडिडेट सौम्या अन्नुमणी, जो कि पाटाली मक्कल गच्ची करके यहाँ पे एक पार्टी है जिसको ज्यादा तरह से वन्य कुल क्षत्रिय जो कि नॉर्थ वेस्ट क्षत्रिय बोलते हैं ना, वो कम्युनिटी वाले उनको ज्यादा समर्थन देते हैं यहाँ पे, तो वहां पे सौम्या अन्नुमणी खड़े हो रहे हैं। वो बहुत टफ सीट है। अभी वैसे भी आप 3 बजे का वोटिंग पोजिशन देखेंगे तमिलनाडु में आज, तो सबसे पहला है धर्मपुरी, 57.86% पोलिंग हो चुका है, तो शायद ये फिगर हमें ये दिखा रहा है कि धर्मपुरी में कुछ स्ट्रॉन्ग कास्ट कंसोलिडेशन हो रहा है। और ये धर्मपुरी सीट आप 2014 में देखेंगे इसको, तो ये एक सीट था जहां पे एनडीए जीत चुका था अपने आप, उन्होंने यानी कि दोनों एडीएमके डीएमके के खिलाफ खड़ा होके दो सीट जीते थे 2014 में, उसमें एक था धर्मपुरी, तो वहां पे कास्ट कंसल्टेशन हो रहा है। वहां पे जो सोर्सेस हमें बोल रहे हैं वहां से, वहां पे डीएमके को जीतना बहुत मुश्किल है, ये एक सीट ऐसा है। दूसरा सीट आपका आएगा वेल्लूर। मैं ये सीक्वेंस में जा रहा हूं क्योंकि मालूम है कि आपके दर्शक और आप भी अन्नामलई के बारे में ज्यादा जानना चाहेंगे, लेकिन जब आप टफ कॉम्पिटिशन सुपरहिट मुकाबला के जैसे जो कॉम्पिटिशन देखना चाहते हैं, तो उसमें पहले आएगा धर्मपुरी, दूसरा आएगा वेल्लूर। वेल्लूर में खड़े हो रहे हैं एसी षणमुगम, जो कि अपने आप उनके पास एक पार्टी है न्यू जस्टिस पार्टी, लेकिन वो खड़े हो रहे हैं बीजेपी के लोटस सिंबल पे खड़े हो रहे हैं इस बार,
वहां पे डीएमके के जनरल सेक्रेटरी महासचिव दुरैमुरुगन के बेटे कादिर आनंद जो कि वहां के सिटिंग एमपी है, सदस्य है वहां के वेलूर में, वो खड़े हो रहे हैं। वहां पे टफ फाइट हो रहा है, वहां पे बहुत काफी मुकाबला हो रहा है, और वो एक सीट ऐसा है जहां पे 1% 2% ऐसा वैसा हो गया तो डीएमके हार सकता है। तो वहां पे पार्टी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहा है पिछले 2-3 दिनों में, ये दो हुआ। और इसके अलावा आप देखेंगे तो कोयम्बतूर में तो ट्राइकोनेट कॉन्टेस्ट है, वो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि बाइपोलर हो चुका है। कोयम्बतूर में जहां पे बीजेपी के तमिलनाडु प्रेसिडेंट अन्नामलै खड़े हो रहे हैं, वहां पे एकदम ट्राइकोनेट कॉन्टेस्ट है, त्रिकोणी मुकाबला है, जिसमें है शामिल है डीएमके, और डीएमके के वहां पे सदस्य वहां के कैंडिडेट है, उम्मीदवार जो है वो तो पूर्व मेयर रह चुके हैं वहां पे एडीएमके में उसके पहले, तो वो खड़े हो रहे हैं वहां पे। और दूसरा है सिंगई रामचंद्रन एडीएमके का और अन्नामलै, इन तीनों के बीच बहुत कड़ी मुकाबला हो रहा है, लेकिन त्रिकोणीय कॉन्टेस्ट ही रहा है वहां पे। मैं ये नहीं कहूंगा कि बीजेपी आगे है, लेकिन वहां पे सेकंड पोजीशन कौन आएगा ये बहुत तेजी से लोग देख रहे हैं वहां पे। और एक कॉन्स्टिट्यूंसी है तेनी करके, और तेनी ये कॉन्स्टिट्यूंसी है जो पिछले बार 2019 में वो डीएमके जीत नहीं सका, वहां पे सिर्फ एक ही सीट था जो एडीएमके ने जीता, और वहां के उम्मीदवार थे ओ पनीरसेल्वम के बेटा ओपी रविंद्रनाथ। इस बार वहां खड़े हो रहे टीटीवी दिनकरन। एक कॉन्स्टिट्यूंसी का डिलिमिटेशन होने से पहले जो पेरियकुलम बोलते थे इस कॉन्स्टिट्यूंसी को, वहां पे पहले ही एक बार वो एमपी रह चुके हैं, फिर राज्यसभा एमपी भी थे वो, तो उनका अपना एक अलग सा गुडविल है। तो उनका कॉम्पिटिशन उनके बीच और डीएमके के तंग तमिलचेल्वन, इन दोनों के बीच है वहां पे कॉम्पिटिशन। अगला टफ कॉम्पिटिशन होगा आपको कन्याकुमारी में। कन्याकुमारी डीप डाउन साउथ कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 39 है यहाँ का, और कन्याकुमारी का एक फीचर है कि यहाँ पे ड्रेविडियन पार्टी से ज्यादा नेशनल पार्टी का जो डोमिनेशन है वो चलता है, तो वहां पे हर समय कांग्रेस और बीजेपी का जो फाइट होता है वो बहुत दिलचस्प से चलता है वहां पे। तो पिछले बार 2014 में आप देखेंगे तो वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी था जो एनडीए ने जीता था, बीजेपी के पूर्ण राधाकृष्ण जीत चुके थे वहां से, और उनके उन्होंने सक्सेसफुली हराया था एडीएमके डीएमके और कांग्रेस के उम्मीदवार को उस समय। तो इस समय कांग्रेस के सिटिंग एमपी विजय वसंत वहां पे खड़े हो रहे हैं, और उनका और पूर्ण राधाकृष्ण का मुकाबला हो रहा है, ये एक कड़ी मुकाबला हो सकता है वहां पे। और एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो है आपको देखना है तो विरुधुनगर में बहुत कड़ी मुकाबला हो रहा है, एडीएमके के समर्थन वाले कैंडिडेट डीएमडीके के विजयकांत के बेटे विजय प्रभाकर और सिटिंग कांग्रेस एमपी मानिकम ठाकुर, इन दोनों के बीच कड़ी मुकाबला हो रहा है। तो ये जो सीटें मैंने आपको बताया यहाँ पे बहुत दिलचस्प कॉम्पिटिशन अभी चल रहा है, तो इसलिए आपको वहां पे बोला होगा कुछ 13 सीट डीएमके को ऐसा लग रहा है कि वो हार जाएंगे। मैं ये नहीं बोलूंगा ये सब सीटें में हारेंगे, लेकिन धर्मपुरी वेलूर बहुत क्लोज है, ईरोड थोड़ा टफ हो सकता है, बाकी में बहुत बड़ी कॉन्टेस्ट चल रही है। पोलिंग परसेंटेज के बाद में हमें पता लगेगा क्या ये बहुत वाइड होगा मार्जिन्स, वो बाद में पता चलेगा हमें। जी सर, वोट परसेंटेज का मैंने पहले जिक्र किया था, 3.6% एग्जैक्ट वोट परसेंटेज 2019 में भारतीय जनता पार्टी को मिला था। एक सवाल यहीं पर आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि 2014, 2019 और 2024 का चुनाव आ गया, इन तीनों चुनावों के मद्देनज़र हम ये बार बार कहते सुनते आए कि द्रविडियन पॉलिटिक्स जो है वो भारतीय जनता पार्टी की कोर हिंदुत्ववादी आइडियोलॉजी का स्पेस तमिलनाडु में इसलिए नहीं है क्योंकि द्रविडियन पॉलिटिक्स में यकीन रखते हैं जनरली लोग, वहाँ पे वो जगह बनाना, वो सुराख बनाना कि पेनिट्रेट कर सकें आप तमिलनाडु की जनता में अपनी नेशनल मुद्दों को ले जाकर के, इतना आसान नहीं है बीजेपी के लिए। क्या वो उसमें किसी स्तर पे उस परसेप्शन को थोड़ा सा चेंज किया है, क्योंकि इस बार ये कई पॉलिटिकल पंडित्स यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि जो 3.6% था 2019 में वो बढ़ करके 10% भी हो सकता है, 12% भी हो सकता है, और अगर बहुत अच्छा लड़ लिए तो 15% भी हो सकता है। एक बात पक्की है, इस बार जो बीजेपी और एनडीए का वोट शेयर है वो तो जरूर बढ़ेगा, उसमें मेरे को कोई संदेह नहीं है, सेकंड ओपिनियन नहीं है, जरूर बढ़ेगा, क्योंकि पिछले 2 सालों से अन्नामलै ने बीजेपी को एंटी डीएमके पार्टी करके एक अच्छा पोजिशन कर दिया है, और इन 2 सालों में क्या हुआ कि कम से कम 1 साल से ज्यादा एडप्पाडी पलनीसामी जो थे उन्होंने बिल्कुल अपोजिशन का गेम नहीं प्ले किया, उन्होंने
वो इसलिए नहीं प्ले किया क्योंकि उनके इंटरनल पार्टी में थोड़ा डायनामिक्स था, वो उनका और ओपन इसलम का लड़ाई चल रहा था तो उसमें बिजी हो गए थे, और बाद में जब पार्टी उनके कब्जे में आया वो सेलम में ही अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन, जो कि उनके नेटिव टाउन वहां पे रहते, लेकिन अभी कैंपेनिंग में उन्होंने थोड़ा तो बदल दिया है जो रूप है। एड़ापाड़ी पल्लीसेलम कैंपेन यहाँ पे बहुत अच्छा था, लेकिन बीजेपी ने क्या किया अन्नामलई के नेतृत्व में यहाँ पे बिल्कुल एंटी डीएमके पार्टी करके उनको एस्टैब्लिश कर लिया। तो जो ये जो एंटी डीएमके वोट जो पहले सीधा एडीएमके को जाता था अभी स्प्लिट होने वाला है, तो इसके वजह से जरूर यहाँ पे अभी इनका वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कितना बढ़ेगा, क्या ये 15% होगा, क्या 20% होगा, वो तो अब हम आप नहीं कह सके, क्योंकि यहाँ पे लोग तो पहचानते हैं अन्नामलई, यहाँ पे लोग बीजेपी को मोदी से ज्यादा नहीं पहचानते हैं या बीजेपी को प्रधान रूप से नहीं पहचानते, लेकिन ये अन्नामलई को बहुत अच्छी तरह पहचान यहाँ पे मिल चुका है। जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो अन्नामलई के जो जो कैंपेन है उसे थोड़ा प्रभाव उनके ऊपर हुआ है, वो देख रहे हैं कि ये पूर्व आईपीएस ऑफिसर है तो एक एक नया राजनीति हमें देखेंगे करके उनके मन में थोड़ा सा उस पे उसका प्रभाव पड़ा है, तो जरूर इसकी वजह से वोट तो बदलेगा। और ऊपर से आपने देखेंगे तो कैंडिडेट्स जो इन्होंने फील्ड किया है, जैसे मैंने कुछ कुछ कैंडिडेट्स का नाम बताया, इन्होंने यूनियन मिनिस्टर एल मुर्गन को नीलग्रीस में खड़ा किया है, इनके जो पार्टी के असेंबली के फ्लोर लीडर हैं नैना नागेंद्रन उनको इन्होंने तिरुनेलवेली में शामिल किया है इस बार, वो पन्नीरसेल्वम को एनडीए के हिसाब से इन्होंने रामनाथपुरम में किया है, टीटी विद्यानगरन है आपको जैसे मैंने बोला तेनी, तो और ऊपर से तेलंगाना के पूर्व गवर्नर और पुदुचेरी के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन को इन्होंने चेन्नई साउथ में खड़ा किया है, तो इसकी वजह से कैंडिडेट जो स्टार कैंडिडेट्स है इसकी वजह से ज्यादा वोट्स पाने की स्थिति में ये लोग आए हैं, उस पोजिशन में आ चुके हैं। लेकिन आपको ये है कि डीएमके का जो अलायंस जो है वो एकदम ताकतपूर्व अलायंस है, एक बहुत मजबूत अलायंस रहा है, तो वोट स्प्लिट वहां पे नहीं हो रहा है। ऊपर से आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जब यहाँ पे कैंपेन में आए थे तो एक ही दिन कैंपेन किया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पे 8 बार 8 जगहों पे कैंपेन और रोड शो किया था, लेकिन प्रभाव ज्यादा पड़ा था आपको राहुल गांधी का जो एक दिन में किया था। तो ट्रेडिशनली जब डीएमके कांग्रेस का अलायंस बनता है तो पीपल का वोट जो है वो थोड़ा उस तरफ चले जाता है, लेकिन बीजेपी का 3% नहीं रहेगा इस बार, ज्यादा बढ़ेगा, कितना है वो तो आप मैं नहीं कह सकता हूँ लेकिन जरूर बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने बहुत एग्रेसिव तमिलनाडु में कैंपेन किया है, वो जो मुश्किल रास्ता है बीजेपी के लिए तमिलनाडु में पेनिट्रेट करने का, अपना रास्ता बनाने का, उसको किस कैसे बीजेपी अपना वोट परसेंटेज बढ़ा रही है, अगर आप उसके पीछे की कोशिशों को थोड़ा बता सकें, क्योंकि जब हम देखते हैं तमिल काशी संगम दिखाने की कोशिश होती है, जब काशी के घाट पर पूजा होती है प्रधानमंत्री की मौजूदगी में तो वहाँ पर तमिल पुजारी मौजूद होते हैं, सेंगोल का उदाहरण है, प्रधानमंत्री अभी जो रैलियाँ कर रहे हैं उसमें तमिल स्क्रिप्चर्स को कोट कर रहे हैं, तमिल कवियों को कोट कर रहे हैं, क्या एक्चुअली इन चीज़ों का ग्राउंड पर असर हो रहा है या ये किसी किस्म की एंटी इनकम्बेंसी है, AIADMK का ख़त्म होना है कि लोग अब बीजेपी की ओर उम्मीद से देख रहे हैं? देखिए आपको ये बात आ रही है, ये जो बीजेपी ने ये जो तमिल को प्रधान रूप से लिया है ये इनका लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है, वो ये चुनाव को उन्होंने नजर करके ये नहीं किया है, ये तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है, और ये चैलेंज उन्होंने इसलिए लिया, मेरा मानना है जब राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि यू कैन नेवर एवर इन योर ड्रीम्स रूल ओवर द पीपल ऑफ तमिलनाडु, उन्होंने कहा कि आप सपने में भी तमिलनाडु के जनता के ऊपर आप राज्य नहीं कर सकते करके मोदी को एक सवाल दिया था, तो वो सवाल बीजेपी ने बहुत सीरियसली ले लिया और वो ये नहीं मानने वाले कि सारा देश हमारा है लेकिन ये तमिलनाडु और केरल जैसे राज्य हमारा नहीं हो सकता है, तो इसलिए उन्होंने स्टेप बाय स्टेप किया है। जैसे यहाँ पे जो इंडो चाइनीज का जो टॉक्स हुआ था तो उसको जो साइड टॉक्स उसको महामल्लपुरम में किया था उन्होंने प्रधानमंत्री ने, और ऊपर से जब प्रधानमंत्री हमारे देश के जवानों से मिलते हैं, जो आर्मी जवानों से जब वो दिवाली मनाते हैं तो वहां भी वो सुब्रमण्य भारती का कहावत कहते हैं, उनके कविता पढ़ लेते हैं या तो तिरुवल्लुवर की कविता पढ़ लेते हैं। ऊपर जैसे आपने बोला काशी तमिल संगमम, सौराष्ट्र तमिल संगमम, ये सब बना के ये जो उन्होंने ट्राई किया है कि किसी तरह ये नॉर्थ साउथ का डिवाइड है उसको थोड़ा कम करके ब्रिज करके थोड़ा करेक्ट लेकर आने करके बहुत प्रयत्न किया है। ऊपर से सिंगोल, यानी कि यहाँ तो सिंगोल कोई नहीं मानते कि ये सिंगोल यथार्थ रूप से नेहरू को दिया गया जैसे पावर ट्रांसफर के टोकनिज्म से, लेकिन
जब वो सिंगोल वहां पे वो ले गए, जब पार्लियामेंट आए, पार्लियामेंट बिल्डिंग में उसको इंस्टॉल किया, तो वहां पे जो मठ के हेड्स को बुलाया था इन्होंने ना, जो पुजारी लोग, जो यू नो सीयर्स है, उनको जब बुलाया था, वो प्रधान रूप से यहाँ पे ऐसे ना तमिलनाडु में मानना है कि बीजेपी एक प्रो ब्राह्मण पार्टी है, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री ने क्या किया, जो मठ के सीयर को ले गए वहां पे, वो सब नॉन ब्राह्मण थे। तो ये भी कह रहे हैं, वो सटली मैसेज का ये दे रहे हैं कि हम नॉन ब्राह्मण पार्टी भी है और तमिल में नॉन ब्राह्मण को भी हम अपील करते हैं। तो ये सब इनका प्रयत्न हुआ है। और इस बार जैसे मैंने बोला, 8 रोड शो और कैंपेन्स कर चुके हैं, और कुछ कुछ रोड शो आपको वेस्टर्न तमिलनाडु में इतना हुआ है, सेलम में, कोयम्बतूर में, पल्लडम में, वहां पे क्या है, साउथ तमिलनाडु में क्या है, चेन्नई में 2 बार आ गए प्रधानमंत्री पिछले 2 महीने के अंतर्गत। तो ये सब एक तमिल आउटरीच का बिल्कुल उसी का है। लेकिन क्या हुआ ना, ये सब उन्होंने किया, लेकिन आप जब देखते हैं कि इन्होंने तमिलनाडु को क्या दिया करके, जो डीएमके इनके ऊपर सवाल रखता है, तो डीएमके यही पूछता है, आपने 2 बड़े फ्लड्स आए थे तमिलनाडु में, बाढ़ आया था यहाँ पे, चेन्नई में आया और तूतुकुड़ी में आया पिछले दिसंबर में, तो प्रधानमंत्री यहाँ पे एक बार भी कम से कम हेलीकॉप्टर में तो आके जाते, वो भी नहीं किया उन्होंने, और एक पैसा नहीं दिया फ्लड रिलीफ के लिए। तो वो एक गलती थी जो बीजेपी ने किया। शायद बीजेपी की सरकार ने यह सोच लिया कि डीएमके सरकार इस फ्लड को मिसमैनेज कर देगी और उसमें से हमें फायदा होगा, शायद ये मेरा अनुमान है, तो शायद उन्होंने ऐसा सोच लिया। लेकिन जब स्टालिन यहाँ पे बोलते हैं कि हमें एक पैसा नहीं मिला केंद्र सरकार से, तो वो जनता के ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ऊपर से यहाँ पे क्या बोलते हैं, एम्स बनाने के बात कर रहे थे प्रधानमंत्री यहाँ पे, 219 से पहले इन्होंने वहां पे आके भूमि पूजा किया एम्स का, लेकिन अब तक वहां पे सिर्फ एक ईंट है, इमारत तो नहीं बनी। आपके लल्लन टॉप में हमने एक देखा जहां पे एम्स में पढ़ने वाले डॉक्टर्स वो बोल रहे हैं यहाँ पे कुछ फैसिलिटी नहीं है। तो अब तक एम्स नहीं आया, 5 साल हुआ एम्स नहीं आया, तो एक ईंट आप सिर्फ तमिलनाडु को एक ईंट क्यों देते हैं, ऐसा सवाल किया स्टालिन ने, तो इसका प्रभाव पड़ता है। दूसरा स्टालिन का सवाल ये था कि हम जीएसटी में जो केंद्र सरकार को 1 रुपया देते हैं उसमें से हमें सिर्फ आता है 29 पैसे, तो सिर्फ 29 पैसे आप तमिलनाडु को क्यों देते हैं। तो इन जो मुद्दों को जो डीएमके ने सामने रखा, इसका जो काउंटर जो बीजेपी दिया है वो काफी इफेक्टिव नहीं रह चुका है। उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया है एक्सप्लेन करके कि हमने तमिलनाडु के लोग को मुद्रा लोन दिया है, यहाँ पे गैस कनेक्शन दिया है, यहाँ पे हमने सड़क बनाए, लेकिन उसका प्रभाव उतना नहीं पड़ रहा है जितना डीएमके का सवाल का प्रभाव पड़ रहा है। तो इसलिए इसका जो है ना, ये लॉन्ग टर्म में शायद पड़ेगा। एक तो प्रभाव मैं बोल सकता हूं, जैसे आपने 2018-19 में देखा होगा, यहाँ पे हर समय जब प्रधानमंत्री आते तो एक बहुत बड़ा नारा था, स्लोगन था कि गो बैक मोदी। अब वो इतना इंटेंस नहीं रहा, वैसा गो बैक मोदी कोई नहीं बोलता अभी। उसका एक कारण है, अभी डीएमके तो सरकार में है, तो जब ये सरकार में है तो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप तो अच्छा बना रहना चाहिए। तो यही डीएमके के स्टालिन और उनके बेटे जाके प्रधानमंत्री को यहाँ पे फंक्शन में ले आते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो गो बैक मोदी का जो स्ट्रांग मूवमेंट था वो थोड़ा कम हो गया। लेकिन फिर भी यहाँ पे जब सर्वे करते हैं कुछ कुछ चुनाव आयोग वाले, तो उसमें ये पड़ता है कि यदि आप मोदी या राहुल गांधी किसको प्रेफर करते हो, तो तमिलनाडु में लोग बोलते हैं, ज्यादातर बोलते हैं कि राहुल गांधी हमें पसंद है, मोदी से ज्यादा हमें पसंद है। तो लॉन्ग टर्म में इसका फायदा होगा, शॉर्ट टर्म में जो प्रधानमंत्री किए हैं उसका फायदा थोड़ा कम ही है अभी। जी थैंक यू सर, थैंक यू, आपने समय दिया। अक्षिता, बहुत सारी बातें हैं बात करने के लिए, बहुत सारे सवाल डी सुरेश कुमार ने छेड़ दिए। पहली बात कि ये जो नॉर्थ साउथ डिवाइड की बात होती है, आप इम्पोर्टेंट सीट्स जो हैं तमिलनाडु की वहाँ से होकर के आई हैं, इसके पहले जो जिस तरह से वो बात होती थी, क्या थोड़ा सा वो स्वर मंद हुए हैं, वो आवाज़ें थोड़ी कम हुई हैं कि एक नॉर्थ इंडियन पार्टी है, ऊपर की पार्टी है, इसका एक्सेप्टेंस यहाँ क्यों होना चाहिए? क्या ये आवाज़ अब आपको भी लगता है कि आम लोगों के बीच अब मन पड़ी है? मैं इसलिए इसको पूछ रहा हूँ क्योंकि एम के स्टालिन ने एक बयान दिया प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ, उन्होंने कहा कि जैसे माइग्रेंट बर्ड्स मौसम के समय आती हैं, वैसे ही कई लोग बाहर से प्रचार करने चुनाव के समय आते हैं, प्रधानमंत्री से उसे जोड़ करके देखा गया। तो मेरे को लगता है कुलदीप, जब आप नॉर्थ साउथ डिवाइड के बारे में बात करते हो, पॉलिटिकली वो अभी भी वेरी मच है, लेकिन तमिलनाडु में ज़्यादातर लोग जब आप बीजेपी के बारे में बात करते हैं,
वो नफरत जो है एंटी बीजेपी जो सेंटिमेंट है वो नेसेसरली एंटी बीजेपी नहीं है, एंटी मोदी है तमिलनाडु में. तो वो थोड़ा सा अभी इस इलेक्शन में मेरे को लगा कि थोड़ा सा ब्रिज हो गया है. क्योंकि अगर आप कंपेयर करोगे जब मैं 2021 में थी ग्राउंड पे असेंबली इलेक्शन के टाइम में वर्सेस नाउ जनरल इलेक्शन के टाइम में, मेरे को लगा कि लोगों थोड़ा सा ओपन है टू द बीजेपी एज एन ऑल्टरनेटिव. क्या डीएमके वोटर देख रहे हैं बीजेपी को? बिल्कुल नहीं. जो एआईएडीएमके वोटर है जिसको लगता है कि और कुछ मतलब ऑप्शन चाहिए तो फिर वो बीजेपी को देखते हैं. तो थोड़ा सा यस वो डिवाइड और वो गैप ब्रिज कर दिया. लेकिन ये भी है कि जब तक आपके स्पीचेस हिंदी में है, जब तक आप तमिलनाडु में आते हैं और हिंदी में बात करते हैं, वो डिस्कनेक्ट रहता है. ये नहीं है कि मतलब जो तमिलनाडु के लोग हैं उनको लगता है कि एक इम्पोजिशन के अटेम्प्ट हो रहा है, वैसा नहीं है. लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कम्युनिकेशन का गैप होता है. जब इन रैलियों में हिंदी में बात कर रहे हैं लोगों को समझ ही नहीं आता है कि क्या बोल रहे हैं. तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो डिवाइड है. जहाँ पे बीजेपी के लिए एक अन्नामलय जैसा एक ऑप्शन है या एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि अब तक उनके पास फेस नहीं था, अब तक दे फोकस्ड एंड रिलाइड ऑन नरेंद्र मोदी अमित शाह वैसे वाला फेस है. सो अभी बियॉन्ड नरेंद्र मोदी अन्नामलय का फेस भी है जो तमिल में बात कर सकता है, जो एम के स्टालिन या एडप्पाडी पड़नीस्वामी पे पोलिटिकल अटैक्स भी फायर कर सकता है. तो वो लैंग्वेज डिवाइड और जो कम्युनिकेशन गैप है उसमें थोड़ा सा फिक्स हो गया. दूसरा चीज़ जिसमें बीजेपी काफ़ी सक्सेसफुल रहा है तमिलनाडु में वो ये है कि जो मोदी हेट्रेड, जो एंटी मोदी सेंटिमेंट था उसको भी थोड़ा सा देव सॉफ्टन्ड दैट ब्लो. और ये कैसे किया? क्योंकि आप मोदी मतलब वहाँ पे आकर इतना रैलीज कर रहे हैं, दूसरे अन्नामलय इतना ज़्यादा मीडिया में बात कर रहे हैं. और जब मीडिया में बात करते हैं हमेशा ये बोलते हैं कि बीजेपी इसके लिए फाइट करेंगे, बीजेपी उसके लिए फ़ाइट करेंगे. तो उसकी वजह से जो एक इमेज था कि बीजेपी एक नॉर्थ इंडियन पार्टी है और साउथ में मतलब एंटी तमिलनाडु है, वो बिल्कुल थोड़ा सा एटलीस्ट सेट हो गया कि वो इमेज नहीं है. मेरे को लगता है कि अभी थोड़ा सा ग्राउंड पे काम कर शुरू करने कर लिया है. लेकिन नेक्स्ट इलेक्शन में शायद 2026 असेंबली इलेक्शन जो है तमिलनाडु में, उस समय ही आपको पता चलेगा कि क्या बीजेपी की एफर्ट एक्चुअली इससे कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है तमिलनाडु में कि नहीं. इस इलेक्शन में यस वोट शेयर थोड़ा सा इंक्रीज होगा, सीट शेयर में शायद एक या दो, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं मिलेगा एनडीए को, बीजेपी को नहीं एनडीए को. 2026 उनके गोल है, जो असेंबली इलेक्शन है वही गोल है और वो ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया क्योंकि ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन है, जहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस, सबको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट में डीएमके नहीं जाएगा, इट बी बीजेपी और कांग्रेस. तो वो भी मतलब उसकी वजह से लोग शायद देख रहे हैं बीजेपी को एक ऑप्शन जैसा. असेंबली इलेक्शन में और मुश्किल होगा बीजेपी को एस्टैब्लिश करने के लिए कि हम हाँ दिल्ली से नहीं आए हैं चेन्नई तक, हम चेन्नई में ही एक बेस्ड पार्टी है. जी, इसी में एक चीज़ की, सिंस आप कह रही हैं कि क्षेत्रीय स्तर पर एक नेता को लाना और उसको बड़ा करना ये बहुत ज़रूरी था बीजेपी के लिए, उन्होंने कोशिश की अन्नामलाई में. वो कोयम्बटूर से चुनाव लड़ रहे हैं, दो बार पिछले दो चुनाव में कोयम्बटूर में बीजेपी दूसरे नंबर पर रही है, जो बड़ा पॉजिटिव है बीजेपी के लिए. 30% से ज़्यादा वोट लेकर के आई है. सीपीएम का वहाँ सिटिंग एमपी है, टफ फाइट है, जो भी होगा वो नतीजा आएगा. लेकिन गोइंग फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म में के अन्नामलाई अगर बीजेपी के लिए तमिलनाडु में चेहरा है आने वाले लेट से 10 साल की राजनीति के लिए फिलहाल, तो उनकी जो पॉलिटिकल स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, जैसे वो फंक्शन करते हैं, जो पॉलिटिकल मेथड्स हैं, उसके बारे में थोड़ा सा और बताइए. वो काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल है ऑनेस्टली, वहाँ पे तमिलनाडु में काफ़ी चर्चा हुआ है इसके बारे में. इलेक्टोरली अगर आप देखेंगे, अन्नामलाई 2021 असेंबली इलेक्शन में भी लड़ा था अरवकुरुचि बोलकर एक जगह से, जो करूर है, जहाँ पे उनके होम टाउन है, जहाँ से आज वोट भी किया अन्नामलाई ने, वहाँ पे ही डिंट विन, ही वॉज डिफीटेड इन दैट इलेक्शन. तो अगर इस इलेक्शन कोयम्बतूर में जितना भी मुश्किल है, जितना भी टफ है, अगर अन्नामलाई नहीं जीता, प्रॉब्लम यह है कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी इमीडिएटली रिप्लेस करेगा अन्नामलाई को, क्योंकि बीजेपी को भी पता है, लीडरशिप को भी पता है कितना डिपेंडेंट है अन्नामलाई पे उनके पॉलिटिकल फ्यूचर तमिलनाडु में. लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जितना भी स्टैंडिंग अन्नामलाई को मिला है अब तक, आप सिंपल सी बात ले लो, एक मीडिया बाइट में जब वो एमके स्टालिन से अटैक कर रहे हैं, जब वो ईपीएस को अटैक कर रहे हैं,
ही इज गिवन दैट स्टैंडिंग कि हाँ मैं बीजेपी के फेस हूँ तमिलनाडु में. अगर कोयम्बतूर में हार गए तो प्रॉब्लम यह है कि जब भी वो डीएमके को अटैक करेंगे, डीएमके बोलेंगे कि आपने इलेक्टोरल सक्सेस कभी टेस्ट नहीं किया, आपने फेल किया इस टेस्ट को, तो आप कैसे सवाल उठ सकते हो. तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा और उसकी वजह से बीजेपी की जो फाइट है तमिलनाडु में वो पूरा का पूरा डेंट हो जाएगा. तो वो थोड़ा सा मुश्किल है उनके लिए. दूसरा चीज़ जो अन्नामलाई फैक्टर है और उनकी जो वर्किंग है, देखो बीजेपी तमिलनाडु में ज़्यादातर जो इमेज बन चुका है अब तक वो ये है कि बीजेपी ब्राह्मणिज्म के लिए स्टैंड अप करते हैं तमिलनाडु में. अन्नामलाई आकर, जो अन्नामलाई इज़ फ्रॉम द गाउंडर कम्युनिटी, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप बीजेपी की तमिलनाडु लीडरशिप देखेंगे उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं है ब्राह्मण्स का. तो इसकी वजह से वो इमेज भी चेंज कर रहे हैं कि देखो हम एक ब्राह्मणिकल पार्टी नहीं है, हम सबको रिप्रेजेंट करते हैं. जो वो विकास मॉडल है जो प्रधानमंत्री मोदी हर बार बोलते हैं हर रैली में, वो उस पर फोकस कर रहे हैं. जो आपके हिंदुत्व आइडियोलॉजी है वो उसके बारे में ज़्यादातर बात नहीं करते हैं. और अन्नामलाई के जितने भी मीडिया इंटरेक्शंस देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ वहाँ बोलते हैं, जैसे कच्चती वो नेशनल इंटेग्रिटी इश्यू लेकर आए थे, लेकिन ज़्यादातर फोकस जो है वो करप्शन पर है, डिनेस्टी पॉलिटिक्स पे है, और वो अन्नामलाई की फोकस है हमेशा. प्रॉब्लम ये था और वीकनेस जो अन्नामलाई का लीडरशिप में ये था कि एआईएडीएमके के अलायंस को ब्रेक किया था. तो उसकी वजह से अगर आज हमने ये इसी इलेक्शन के दिन पे बात कर रहे थे और एआईएडीएमके और बीजेपी एक साथ थे, एक अलायंस में थे, तो जो हमारे डिस्कशन है जहाँ हम बोल रहे हैं कि फर्स्ट पोल पोजिशन में 100% डीएमके है, डिस्टेंट सेकेंड एआईएडीएमके या बीजेपी आएगा, वो काफ़ी वो नरेटिव इटसेल्फ पूरा शिफ्ट हो जाता अगर वो अलायंस अभी भी है. एंड सिंगल हैंडेडली ये अलायंस इसलिए वर्कआउट नहीं किया क्योंकि अन्नामलाई ने कुछ कमेंट्स दिया था एआईएडीएमके के बारे में. बीजेपी चूज़ किया कि हम अन्नामलाई को बैक करेंगे, लेकिन ये ऑब्वियसली ये भी बोलता है, इट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट अन्नामलाई लीडरशिप स्टाइल, कि वो बिल्कुल ही डजंट थिंक ट्वाइस, सेज व्हाट्स क्लियरली ऑन हिज माइंड, लेकिन उसकी वजह से रेमिफिकेशंस और रेपरकशंस भी हो रहा है बीजेपी के लिए तमिलनाडु में. जी, एक दो मुद्दे ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री ने जिनका तमिलनाडु में अपने कैंपेन के दौरान जिक्र किया. कच्चा तीवू आइलैंड का जिक्र आपने किया, वो आइलैंड जो प्रधानमंत्री ने कहा कि श्रीलंका को हमने ऐसे ही दे दिया कांग्रेस की गवर्नमेंट के समय. दूसरा एक मुद्दा बार बार बीजेपी की ओर से उठाया था, मछुआरों का मुद्दा. थोड़ा ये बताएं कि इन मुद्दों को लेकर के मोमेंटम बन रहा है या नहीं, ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ, बट इन मुद्दों को लेकर के एक्सेप्टेंस का पोटेंशियल है क्या इन मुद्दों में, जब प्रधानमंत्री आकर के तमिलनाडु में ये दो मुद्दे उठाते हैं? क्या कच्चा तीवू एक इलेक्टोरल इशू बन सकता है? मछुआरों का मुद्दा उनकी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है उससे, वो एक इमोशनल इशू नहीं है, वो डेली लाइफ का इशू है, ब्रेड एंड बटर का इशू है. दोनों को थोड़ा सा समझाइए, बीजेपी ने इन दो मुद्दों को उठाया. पहले क्या मोमेंटम हुआ था, आई नो आपने नहीं पूछा कुलदीप, पर मैंने जब पहले तमिलनाडु में गई थी इस पर्टिकुलर कैंपेन टाइम के लिए, इस इलेक्शन टाइम के लिए, मेरे पहला स्टॉप फर्स्ट स्टॉप रामेश्वरम था. जहाँ से कच्चती वो जस्ट अबाउट 30 किलोमीटर्स है वहाँ से, रामेश्वरम के कोस्ट से, तो जहाँ वहाँ पे जो फिशरमैन थे उनसे मैं बात कर रही थी और पूछ रही थी कि क्या कच्चतीवू की वजह से अभी प्रधानमंत्री इतना बोल रहा है, बीजेपी बोल रहा है कि डीएमके आपको बिट्रे किया है, क्या उसकी वजह से आप में गुस्सा है? तो पहले ये समझना चाहिए कि जो कच्चतीवू की इश्यू है, हमारे शायद ललन टॉप के ऑडियंस ये नया कॉन्सेप्ट था, अभी ज़्यादातर लोग नेशनली बात कर रहे हैं इसके बारे में. कच्चतीवू तमिलनाडु में सालों से बात कर रहे हैं इसके बारे में, मैनिफेस्टो में आए हैं डीएमके और एआईएडीएमके मैनिफेस्टो में, सुप्रीम कोर्ट में लड़ चुके हैं इसके बारे में, तो ये नया नहीं है, बिल्कुल नया नहीं है. और उसके ऊपर ही फिशरमैन काफ़ी डिमांड कर चुके हैं, लेकिन क्या ये रेजोनेट होगा? पहली चीज़, ये पुराना इश्यू है जो रीपैकेजिंग कर चुके हैं तमिलनाडु में, तो उसकी वजह से काफ़ी रेजोनेंस नहीं हुआ है. दूसरा चीज़, फिशरमैन में काफ़ी नाराज़ी है क्योंकि पहले बोल रहे हैं कि हम कच्चतीवू इतने समय से उठ रहे हैं, इतने समय से मांग रहे हैं कि वापस लेकर आ जाओ, अब तक क्यों नहीं किया, इन 10 सालों में बीजेपी क्यों नहीं किया? तो वो पहले सवाल उठ रहे थे फिशरमैन ने. दूसरी चीज़ बोल रहे थे कि अगर हमारे लिए और हमारे राइट्स के लिए दोनों स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे लिए काम करना चाहते हैं, तो पहले जो अरेस्ट और सीजर्स होता है उनके बोट्स का बाय द श्रीलंकन नेवी, उसके ऊपर बात करो, उसके ऊपर कुछ करो. तो मेरे को लगता है कि जो गुस्सा है फिशरमैन में तमिलनाडु में, और ये रामेश्वरम कन्याकुमारी तूतुकुड़ी में हमेशा आप देखेंगे, उस पर एड्रेस करना दोनों और जितने भी पार्टीज है वो सब थोड़ा सा फेल किया है. और कच्चतीवू की वजह से
मेरे को लग रहा है कि रेजोनेंस नहीं हुआ है ग्राउंड के, इसलिए क्योंकि ये नया शब्द नहीं है, नया कॉन्सेप्ट नहीं है, नया पॉलिटिकल फाइट नहीं है तमिलनाडु में. और दूसरी चीज़, क्योंकि फिशरमैन बोल रहे हैं कि हम इतने सालों से बोल रहे हैं, अब तक कुछ नहीं हुआ, अब इलेक्शंस के टाइम में आप आकर कचती वो बोलते हो और फिर कुछ नहीं होगा हमको लगता है. तो उसकी वजह से जो ये नेशनल इंटेग्रिटी का या ये जो एंटायर नेशन फर्स्ट का प्रेमिस है जो बीजेपी उठते हैं हमेशा इलेक्शंस के टाइम में और उनके कैंपेन में हमेशा रेजोनेट करता है, नेशनल हेडलाइंस बनता है, कचती वो भी नेशनल हेडलाइंस बन चुका है, लेकिन तमिलनाडु में ये उतना ज़्यादा इट डिडंट रियली स्ट्राइक अ कॉर्ड. मेरे को लगता है जितने भी फिशरमैन ऐसे में बात कर रहे थे बोलते हैं कि हाँ हमको कचती वो के बारे में पता है, हमको पता है हिस्टोरिकली क्या हुआ था कि उस समय की मुख्यमंत्री करुणानिधि को पता था, डीएमके ने अलाउ किया था, तो इसलिए वो बोलते हैं कि डीएमके, कांग्रेस और अभी बीजेपी सबके ऊपर थोड़ा सा ब्लेम है क्योंकि डीएमके और कांग्रेस दे दिया और बीजेपी 10 साल में कुछ नहीं किया. थोड़ा सा ये भी कि एक जैसे 2015 में श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर उस समय जैसे रानिल विक्रमसिंघे, उन्होंने ये कहा था कि कोई इंडियन मछुआरा हमारे वाटर्स में आएगा तो हम उसे गोली मार देंगे. तो इस तरह से ये जो इशू है तमिलनाडु में ये एक इंटरनेशनल इशू हो जाता है जिसको स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट का सही उसमें हो सकता है. क्या मतलब ये एक पॉइंट है कि मछुआरे इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि जब वाटर्स के विवाद हैं इसमें स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा रोल केंद्र सरकार का है और केंद्र में बीजेपी है, क्या ये कोई फैक्टर है जो आप 2-3 सीटों की कोस्टल एरियाज की बात कर रही हैं उसके पॉइंट? बिल्कुल बिल्कुल. और रामेश्वरम जैसे एक सीट है वो रामनाथपुरम पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में पड़ता है जहाँ पे वो पन्नीरसेल्वम कंटेस्ट कर रहा है और नवासखनी है और यहाँ पे एक साइजेबल फिशरमैन पॉपुलेशन है. ऑब्वियसली इसके पहले नवासखनी जीत लिया है, अभी ओ पन्नीरसेल्वम आ रहा है. कास्ट फैक्टर्स यस, पर अगर फिशरमैन के वोट के बारे में आप बात करते हो, जितने भी फिशरमैन से मैं मिल रही थी वहाँ पे, वो मेरे को वीडियोस दिखा रहे थे कि देखो कचती वो यहाँ पे है, हम इतने पास आते हैं और कहीं नहीं जा सकते हैं, यहीं पे ही जाना पड़ेगा और कुछ नहीं किया है. कुछ लोग मेरे से फोटोज शेयर कर रहे थे कि देखो हमने केंद्रीय सरकार से मिले थे दिल्ली में, हम आए थे, मिस्टर जयशंकर से मिले थे, मेमोरेंडम हैंडओवर किया, वो सब पिक्चर्स है और बोलते हैं कि हमको ये प्रॉमिस किया, वो प्रॉमिस किया और फिर कुछ नहीं होता है. आप सही बोल रहे हो जब आप बोलते हो कि एक इंटरनेशनल इश्यू है, सो ऑब्वियसली इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ऑब्वियसली मैनी रेपरकशंस है, लेकिन सालों के लिए इन फिशरमैन के लिए कोई सोल्यूशन नहीं आया है. सालों के लिए हमेशा इलेक्शन के टाइम में, और ये पहली बार नहीं है कि कचती के बारे में बात कर रहे हैं. मैं बोल रही थी पहले भी कि मैनिफेस्टो बोथ डीएमके और एआईडीएमके दोनों के मैनिफेस्टो में भी कचती वो मेंशन किया था. तो सालों के लिए ये पूरे इश्यू के ऊपर काफ़ी मतलब चर्चा हुआ है, काफ़ी पॉलिटिक्स हुआ है, लेकिन उसकी वजह से कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं हुआ है. तो इसलिए फिशरमैन ज़्यादातर नाराज़ है और बोलते हैं कि जितना भी और जिससे भी मतलब ये शब्द बोलते हैं कि हाँ हम कुछ करेंगे कचती वो के बारे में कुछ करेंगे, उनको लगता है कि बिल्कुल कुछ नहीं होगा अभी. ठीक है, एक चीज़ जब हम कहते हैं कि क्लीन स्वीप, जब आप ग्राउंड पे इलेक्शन कवर करने या उसका जायज़ा लेने गए हैं, क्लीन स्वीप का एक जो वेव है वो अलग समझ में आ जाता है कि एक लहर है या एक वेव है. अभी वो कॉन्ट्रोवर्शियल है कि इंडिया अलायंस के लोग नहीं मानेंगे कि क्लीन स्वीप नहीं कर रहे हैं वो लोग, लेकिन 13 सीटों का सर्वे आया, डी सुरेश कुमार से हमने बात की कि 2-3 सीट पर वाकई फाइट बहुत टफ है. आपको वो वैसी कोई वेव दिखी क्या इंडिया अलायंस के पक्ष में जो ऐसा लगता है कि क्लीन सेव मिल सकता है, सिंस वोटिंग परसेंटेज बीजेपी का बढ़ रहा है उस पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं, मेरे को लगता है कि ये एक वेव इलेक्शन बिल्कुल नहीं है. अगर आप कंपेयर करते हो 2019 से, 2019 मेरे को लगता है कि एक वेव था तमिलनाडु में, और वो वेव क्या था, एक वो एंटी मोदी वेव था, तो वो उसकी वजह से इट लेड टू एंड ट्रांसलेटेड टू दिस काइंड ऑफ अ विन फॉर द डीएमके कांग्रेस कंबाइन. इस बार कुछ वेव नहीं है. और जब आप बोल रहे थे कि 13 सीट में टफ फाइट होने वाला है, ग्रांटेड ये है कि 13 सीट ऑब्वियसली डीएमके कांग्रेस से नहीं जाएगा, वो तो बिल्कुल नहीं होगा. मेरे को लगता है कि ईजिली 30+ होगा डीएमके कांग्रेस के लिए, लेकिन क्या 39 और 39 होगा, 38 और 39 होगा, वो भी मेरे को नहीं लगता है. समय बिटवीन 35 में भी मेरे को लग रहा है कि डीएमके कांग्रेस को मिलेगा. इसके वजह ये है कि एक ऑब्वियसली एक एग्रेसिव कैंपेन है बीजेपी का. मेरे मतलब ये नहीं है कि सेकेंड प्लेस बीजेपी को जाएगा. मेरे को लगता है कि अभी भी मेन फाइट है डीएमके वर्सेज एआईएडीएमके. बीजेपी अभी भी कोशिश कर रहे हैं, और जैसे मैं बोल रही थी उनके ज़्यादातर इम्पैक्ट शायद 2026 में देखेंगे, नॉट इन 2024. वोट शेयर बढ़ेगा, लेकिन क्या वो नंबर 2 पोजिशन में आएगा, क्या वो 3-way बैटल ऑलरेडी बन चुका है, कुछ सीट्स में हाँ लेकिन हर सीट में नहीं.
हर सीट में मोस्टली इट्स डीएमके वर्सेस एआईएडीएमके, तो उसकी वजह से एक चीज़ तो वेव इलेक्शन ये नहीं है क्योंकि काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी भी है कुलदीप ग्राउंड पे, लेकिन वो जो एंटी इनकम्बेंसी है वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि जो आपके डीएमके के वोट बेस है वो शिफ्ट होगा. दूसरी चीज़ ये है कि जितना भी डीएमके के वोटर्स को एक ऑप्शन चाहिए वो नहीं है. आपके स्टॉन्च डीएमके वोटर्स जो है वो कभी टू लीफ सिंबल को वोट नहीं देंगे जो एआईएडीएमके का है, वो कभी बीजेपी के पास नहीं जाएगा क्योंकि वो एक ऑल्टरनेटिव चाहिए उनको. तो काफ़ी, और हमने 2019 में भी ये देखा है कि जितने भी नाराज़ डीएमके वोटर्स हैं वो ज़्यादातर एक एनटीके को चूज़ करते हैं, नाम तमिलकची. सो देर आर स्मॉलर रीजनल आउटफिट्स जिसको ऑप्शन देते हैं, जिसको चांस देते हैं, इंडिपेंडेंस को चांस देते हैं, तो उसकी वजह से वोट शेयर आपको शायद कम दिखेगा 2019 से. सीट्स में इट विल बी नॉट 38, थोड़ा सा कम उससे, और इसलिए मैं बोलती हूँ कि ये एक प्रो स्टालिन या प्रो डीएमके कांग्रेस वेव इलेक्शन नहीं है. काफ़ी मुद्दे हैं ग्राउंड पे, जैसे फ्लड्स था 2-3 महीने पहले, काफ़ी मुद्दे हैं जिसके ऊपर वोट भी शिफ्ट होगा यहाँ वहाँ. बीजेपी का फैक्टर है, एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है, कुछ कैंडिडेट सिलेक्शन का कॉन्ट्रोवर्सी का भी फैक्टर है इसमें. चलिए, तो अप्रैल में तमिलनाडु का तापमान क्या था जून में पता चल जाएगा. बहुत शुक्रिया अक्षता, आपने समय दिया हमें. पहले चरण के कुछ अन्य सीटों की ओर अब बढ़ते हैं, उन पर चर्चा करते हैं. अब बिहार की बात करते हैं. बिहार में पहले चरण में 4 सीटों पर मतदान हो रहे हैं जब अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं. वो 4 सीटें हैं गया, जमुई, नवादा और औरंगाबाद. इसमें गया की चर्चा और जमुई की चर्चा ज़्यादा है. जमुई ट्रेडिशनली जो है लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी की सीट रही है, और गया से जीतन राम मांझी, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के, एनडीए के नेता, अब एनडीए का हिस्सा हैं, उनकी पार्टी एचएम, वो चुनाव लड़ रहे हैं. बिहार पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रोहित कुमार सिंह. आप इंडिया टुडे टीवी के पटना ब्यूरो के एडिटर हैं. रोहित जी, आपका स्वागत. पहला सवाल ये कि बहुत ताज़ा एक वीडियो आया है, जमुई में पहले चरण के वोट पड़ गए हैं, लेकिन एक वीडियो आया आरजेडी की रैली में जिसमें चिराग पासवान को गाली दी गई. वो ऑडियो माइक में सुनाई पड़ा और वो बिहार में एक नया राजनीतिक मुद्दा बन गया है. चिराग पासवान के सम्मान और अपमान से इसको जोड़ दिया गया है. जमुई में वोटिंग हुई है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि क्या वो एक पैन स्टेट एक बड़ा मुद्दा होगा. हालांकि तेजस्वी यादव उस समय मंच पर मौजूद थे जब ये हुआ, और उन्होंने कहा कि अगर ये आवाज़ उनके कानों में पड़ी होती तो वो इसको रोकने की कोशिश करते या इस पर एक्शन लेते. लेकिन सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि जिसने भी गाली दी थी उसको छोड़ा नहीं जाएगा. जो तेजस्वी यादव के सभा में जो गालियां दी गई चिराग पासवान को, और एक तरीके से कहें तो बेहद भद्दी भद्दी गालियां, माँ बहन की गालियां जैसे दी गई थी, वो बहुत बड़ा एक कह सकते हैं चुनावी मुद्दा बन गया है बिहार की राजनीति में, और खासकर जमुई में जहां पर चुनाव हुए 19 अप्रैल को. पहले चरण का जो मतदान हुआ उससे ठीक 48 घंटे पहले वो वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर. चिराग पासवान ने उसको बड़ा मुद्दा बनाया. उन्होंने कहा कि वो मुंह तोड़ जवाब देते अगर किसी ने राबड़ी देवी के बारे में ऐसा कहा होता. लेकिन तेजस्वी यादव इस पूरे जो ये घटनाक्रम है या ये विवादित वीडियो है इसको लेकर लगातार बचते नजर आ रहे हैं. पहले तो उन्होंने कहा कि उन्होंने उनके मंच पे ऐसा कुछ नहीं किया गया है या किसी ने उन्होंने सुना नहीं कि क्या बोला गया, और किसी ने बोल दिया तो क्या करेंगे, इस तरीके से उन्होंने पल्ला झाड़ने की कोशिश की. और उसके बाद फिर एक तरीके से उन्होंने इस सवाल को लेना भी मुनासिब अब नहीं समझा. उनसे बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है कि भाई चिराग पासवान आहत है, नाराज है, तो वो अब सवाल सुनने को भी तैयार नहीं है. पत्रकार पूछते हैं तो कहते हैं और बताइए, दूसरा सवाल कीजिए. तो ये मामला जो है अब चुनाव आयोग तक भी पहुंच चुका है. अब चिराग पासवान ने एक पत्र भी लिखा है तेजस्वी यादव को और मांग कर रहे हैं कि कार्रवाई करें तेजस्वी यादव उन कार्यकर्ताओं के खिलाफ जिन्होंने उनको इतनी भद्दी भद्दी गालियां दी हैं. तो ये मामला मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे थमने वाला है. पहले चरण के चुनाव में ये मामला काफी जो है गर्म हुआ, और आगे के बिहार में जितने भी चरण होने हैं मतदान की, यानी 6 चरण और बाकी है, मुझे लगता है कि इसमें भी ये पूरा मामला जो है ये जोर शोर से उठाया जाएगा. क्योंकि इसको एनडीए और खासकर अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने इसको आरजेडी की गुंडा कल्चर से जो है उसको जोड़ दिया है, और उनका कहना है कि यही आरजेडी का चाल चरित्र है और इसी तरीके से ये लोग करते हैं. और हमें हैरानी नहीं होनी चाहिए
अगर आने वाले दिनों में अगर प्रधानमंत्री अगर दूसरे तीसरे चरण में जब भी अब अगली बार आते हैं बिहार में प्रचार प्रसार करने के लिए, तो वो इस मुद्दे को अगर उठाते हैं और इसको एक तरीके से दलित अपमान से जोड़ देते हैं, तो इसको लेकर हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मामला वाकई में एक बड़ा मुद्दा बन चुका है और इस पर इसमें जो तेजस्वी यादव है वो फंसते नजर आ रहे हैं। लेकिन तेजस्वी लगातार इस पूरे विवाद को जो है वो खारिज करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, गया के बारे में थोड़ा बताएं, हमारे रिपोर्टर भी वहाँ गए थे साकेत, वहाँ से जीतन राम मांझी चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर महादलित समाज की बड़ी आबादी है, पर महादलित समाज के कुछ लोग जीतन राम मांझी से बहुत प्रसन्न नहीं हैं, पाला बदलने के लिए वो जाने चाहते हैं, कई बार ऐसे बयान दे देते हैं कि उनके ही सहयोगी उनको डिफेंड नहीं कर पाते। कैसा है उनका चुनाव इस बार? देखिए, इस बात से किसी को भी कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि ये जो चुनाव जो हो रहा है, ये 2024 का लोकसभा चुनाव, ये मोदी को लेकर ही हो रहा है। मोदी चाहिए या मोदी नहीं चाहिए देश में प्रधानमंत्री के तौर पर, उसी को लेकर ये पूरा चुनाव जो है उसी को लेकर उसी पर केंद्रित हो गया है। अब इसमें आप अगर हम बिहार के संदर्भ में बात करें, तो भले ही जो गठबंधन के साथी दल हैं, चाहे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हो, जनता दल यूनाइटेड हो, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, सब ये पार्टियां जो है वो घटक दल जरूर हैं, लेकिन इस बात में कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए कि सभी जो है वो मोदी के भरोसे ही इस चुनावी समर में उतरे हुए हैं और सबको बस मोदी का ही आसरा है। क्योंकि ये जो नेता जो है, ये घटक दल के नेता, ये लोग भी जहां जाते हैं जाहिर सी बात है वो ये कहते हैं कि मोदी का चुनाव है, देश का चुनाव है, प्रधानमंत्री के लिए चुनाव हो रहा है, तो ऐसे में वोट मोदी को देखकर दिया जाना चाहिए, या जनता से अपील करते हैं कि जो वोट दें वो मोदी को सोच के दें। तो ऐसे में इस बात से किसी को कोई परहेज नहीं है। हालांकि अब जीतन राम मांझी का देखिए विवादों से चोली दामन का साथ रहा है, 9 महीने के लिए मुख्यमंत्री बने थे वो, उसके बाद लगातार जब से बिहार में शराबबंदी लागू हुआ है, शराब को लेकर और इस कानून को लेकर जो है वो लगातार उस पर सवाल खड़े करते रहते हैं, भगवान को लेकर जो है या धार्मिक चीजों को लेकर भी बहुत बार विवादित बयान जो है वो दे देते हैं कि मैं पूजा पाठ नहीं करता हूँ या भगवान को नहीं मानता हूँ, इस तरीके की बहुत बातें जो है वो जीतन राम मांझी बोलते आए हैं, जिसके वजह से गठबंधन जो है वो कहीं ना कहीं संकट में नजर आता है, जो एनडीए गठबंधन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इस बार भी, पिछली बार वो चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार फिर से मोदी के भरोसे ही जीतन राम मांझी जो है वो चुनावी समर में उतरे हैं, मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। हालांकि उनका विरोध भी हो रहा है, क्योंकि तो जैसे अगर नीतीश कुमार को लोग पलटू राम कहते हैं इधर उधर करने के लिए, तो मांझी भी कम बार उन्होंने इधर उधर नहीं किया है, उन्होंने भी बहुत बार कभी एनडीए में, कभी महागठबंधन में, फिर एनडीए में, महागठबंधन में, ये उनकी भी फितरत रही है इधर उधर करने की। तो नीतीश कुमार के अगर विश्वसनीयता पे सवाल खड़े होते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल खड़े होते हैं, तो वैसे ही गया में जीतन राम मांझी के भी ऊपर जो है सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि पहले चरण का जो है वो मतदान तो हो चुका है, जीतन राम मांझी जो गया से चुनाव लड़ रहे हैं वहां भी मतदान हो चुका है, 4 जून को नतीजे आएंगे तो पता चलेगा। लेकिन इस चुनावी समर में कहें तो चुनावी रण में जितने भी घटक दल हैं, बीजेपी के साथी जो है, वो कहीं ना कहीं मोदी के भरोसे ही जो है वो चुनावी नहीं है पार लगाने की कोशिश अपनी अपनी कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। चलिए, बहुत शुक्रिया रोहित कुमार सिंह, पटना से हमारे साथ जुड़े थे। तो अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश वो प्रदेश है जो पिछले विधानसभा चुनाव के बाद से जिसका राजनीतिक आकलन करते हुए अब लोग थोड़ा हिचकने लगे हैं। ज़रूरी नहीं कि जो दिख रहा हो वो ही चुनावी रिजल्ट में सामने आए। मध्य प्रदेश में पहले चरण में 6 सीटों पर चुनाव हैं, सीधी, शहडोल, जबलपुर और छिंदवाड़ा, मंडला और बालाघाट। ये जो छिंदवाड़ा, मंडला और बालाघाट का इलाका है वो ट्राइबल के वोटों के असर वाला इलाका है। इन 6 सीटों के समीकरणों पर बात करेंगे, खासतौर से छिंदवाड़ा के, क्योंकि वो हॉट सीट है, वीआईपी सीट है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश से ही जुड़ रहे हैं नितेंद्र शर्मा जी, आप फ्री प्रेस जर्नल के पत्रकार हैं। नितेंद्र जी, स्वागत आपका। शुरुआत हॉट सीट से ही, छिंदवाड़ा से,
कमलनाथ वहां से लंबे समय से लड़ते रहे, चुनाव जीतते रहे, फिर उन्होंने अपनी विरासत अपने सुपुत्र नकुलनाथ को दे दी। 2019 की भारी नरेंद्र मोदी वेव में भी जो सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत सकी वो छिंदवाड़ा थी, वो नकुलनाथ जीत करके आए। इस बार छिंदवाड़ा के समीकरण कैसे हैं? विवेक बंटी साहू भारतीय जनता पार्टी से उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, वो विधानसभा का चुनाव लड़ते रहे हैं ट्रेडिशनली कमलनाथ के खिलाफ और लोकसभा भी लड़ते रहे हैं। इस बार के इक्वेशन, इस बार छिंदवाड़ा में मुकाबला कितना कांटे का है और कितना नहीं है? देखिए, हम जिस चर्चा कर रहे हैं तो हम इस बात को कह रहे हैं कुलदीप कि छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट है। यदि मध्य प्रदेश में कहीं सर्वाधिक दिलचस्प चुनाव हो रहा है तो वो छिंदवाड़ा में ही हो रहा है। लेकिन छिंदवाड़ा के अगर चुनाव को देखें तो वहां पर पूरे चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दो चीजों को स्थापित करने में लगे रहे। भाजपा की यह कोशिश थी कि चुनाव नरेंद्र मोदी वर्सेज नकुलनाथ हो और कांग्रेस की यह कोशिश थी कि चुनाव कमलनाथ वर्सेज विवेक साहू हो। तो ये चुनाव को इस मोड पर ले जाने में ही दोनों दल लगे रहे कि चुनाव में सामने वाले का प्रत्याशी तो वही रहे लेकिन हमारा बड़ा चेहरा प्रोजेक्ट हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं दोनों ही इसमें बहुत सफल नहीं हो सके, क्योंकि छिंदवाड़ा में चाहे नकुलनाथ खड़े हों, लेकिन मैं खुद भी छिंदवाड़ा में गया था, 3 दिन रहा भी, वहां के लोग कमलनाथ को देख के बात कर रहे हैं। वही स्थिति भाजपा के साथ है कि विवेक साहू भले ही प्रत्याशी हों लेकिन वहां पर पूरा चुनाव जो है वो यदि कोई वोट दे रहा है विवेक साहू को तो आप ये माने कि वो मोदी प्रभाव में वोट दे रहा है, वरना विवेक साहू जो है उनको भी वहां पर पसंद करने वालों की बड़ी संख्या जो है वो नहीं है। पिछली बार का जो चुनाव हुआ था 2019 में उसमें 37,000 वोटों का फासला था भाजपा और कांग्रेस के बीच में, लेकिन तब बीजेपी के साथ एक प्लस पॉइंट था कि जो बीजेपी के प्रत्याशी थे नत्थन शाह वो ट्राइबल थे, तो उस कारण से करीब वहां पर जो है वो 3 लाख के लगभग ट्राइबल वोट है, वो एक फायदा जो है वो भाजपा को मिला था। लेकिन अगर आप ये माने कि आज मतदान जो है वो चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी यदि कुछ करके दिखा पाएगी तो वो केवल मोदी का प्रभाव होगा। दूसरा, बीजेपी ने जो तोड़फोड़ करी थोड़ा बहुत उसका असर होगा, लेकिन आज सुबह जिस तरीके से छिंदवाड़ा के महापौर ने यूटर्न लिया उससे साफ है कि कहीं जो लोग भाजपा में आए कांग्रेस से वो भी कुछ हलचल, कितना फायदा पहुंचा पाएंगे या उनके दिमाग में भी जब वो चुनाव में थे तो कितना उसको लेके वो जिसे कहें कि भारतीय जनता पार्टी के साथ दिल से थे, ये तो रिजल्ट आने पर ही पता चले। जी, थोड़ा सा जो इस इलाके की और सीटें हैं मंडला और बालाघाट, इसकी बात करें, इसका कारण ये कि आदिवासी वोटों के असर वाला ये इलाका है और पिछले कुछ चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी वोटों में अपनी पैठ बढ़ाई है पहले के मुकाबले। 2023 के चुनाव में 47 में से 24 सीटें इन आदिवासी रिजर्व्ड इलाकों में भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई। हालांकि जो मंडला का विधानसभा का चुनाव था उसमें फग्गन सिंह कुलस्ते चुनाव हार गए, कांग्रेस के विधायक वहां से जीत करके आए वरकड़े साहब, लेकिन मुझे थोड़ा ये बताएं कि क्या लोकसभा चुनाव में जब हम इन तीनों सीटों की बात करते हैं और छिंदवाड़ा पर खासतौर से जब फोकस है कांग्रेस का और कमलनाथ वहां जाकर अपने 40 साल के रिश्तों का हवाला दे रहे हैं, तो जो बाकी दो सीटें हैं वो चुनाव प्रचार की आक्रामकता के लिहाज से थोड़ी सी नेग्लेक्टेड हो गई हैं क्या कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से? और जो आदिवासी वोट है क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के में एक चेहरा देखता है और अब वो उसमें क्लियर डिविजन है कि थोड़ा बहुत कांग्रेस की तरफ और थोड़ा बहुत बीजेपी की तरफ? देखिए, मध्य प्रदेश में जो है वो अभी 6 सीटों पर जो पहले चरण में चुनाव हो रहा है उसमें 2 सीटें जो है वो आदिवासी हैं, एक मंडला और दूसरी शहडोल। मंडला और शहडोल वो सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने टिकट को बरकरार रखा है। फग्गन सिंह के विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी उनको टिकट दिया गया, शहडोल में हिमाद्री सिंह को टिकट दिया गया। तो इन 2 सीटों का जो चुनाव है, एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी इस पूरे इलेक्शन को ट्राइबल इलाका में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो प्रभाव है उसके आधार पर, क्योंकि फग्गन सिंह तो विधानसभा चुनाव हार गए थे तो फग्गन सिंह को विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी फिर से टिकट इसी कारण दिया गया कि भाजपा को यह भरोसा है कि मोदी के नाम पर फग्गन सिंह को वो जिता लाएंगे। दूसरा, मंडला सीट में क्या खास बात है कि वहां पर कुछ एरिया ऐसा है, जैसे वहां पर नरसिंहपुर जिले की भी एक सीट आती है, अब वो सीट पर ट्राइबल नहीं है, ऐसी सीटों का भाजपा को
बड़ा फायदा मिलेगा। दूसरा, अगर पूरे इलेक्शन को हम देखें तो मंडला और शहडोल ये दोनों सीटें अगर कांग्रेस के लिए कोई चीज फेवरेबल है वो तो ये है कि 2009 का जो चुनाव हुआ था मध्य प्रदेश में, तब कांग्रेस ने सबसे अच्छा प्रदर्शन पिछले कई सालों में किया था, जब कांग्रेस को 29 में से 12 सीटें मिली थी और उन 12 सीटों में मंडला और शहडोल ये दोनों सीटें शामिल थी। तो कांग्रेस के लिए एक ये कहीं ना कहीं बात है कि आदिवासी जो हैं वो कांग्रेस का पुराना परंपरागत वोट बैंक रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों उसमें एक बड़ी सेंध लगाई है। और जहां तक अगर देखा जाए तो अगर पिछले इलेक्शन को ही हम लें तो 47 में से 24 सीटें अभी भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में मिली, लेकिन मैं साथ में यह भी जोड़ूंगा कि कांग्रेस ने भी अपनी जो इज्जत बचाई 66 सीटें लाके, उसमें बड़ा रोल ट्राइबल सीटों का रहा, क्योंकि कांग्रेस को 22 सीटें ट्राइबल एरिया में मिली, 66 में से 22 सीटें केवल ट्राइबल एरिया की है कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने भी अपनी इज्जत जो है वो ट्राइबल एरिया के कारण बचा ली थी। बाकी जो सीटें हैं यदि हम इनकी बात करें तो बालाघाट में चुनाव हो रहा है, जबलपुर में चुनाव हो रहा है और सीधी में चुनाव हो रहा है, तो ये जो तीनों सीटें हैं अगर हम तो अगर इसका अगर आप पूरा विश्लेषण देखें तो अगर कहीं टक्कर दिखाई दे रही है मध्य प्रदेश में तो वो दो सीटें सर्वाधिक जिसे कहें कि वो है, एक छिंदवाड़ा में टक्कर है और दूसरी टक्कर जो है वो मंडला में दिखाई दे रही है। बाकी सीटें जो ऐसी हैं जहां पर मोदी का प्रभाव जो है वो काफी दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में ये माना जाए कि भाजपा के लिए फेवरेबल माहौल है। शुक्रिया नितेंद्र शर्मा, मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े थे। अब बढ़ते हैं पश्चिम बंगाल की ओर, जहां से हमारे साथ जुड़े हैं अनुपम मिश्र। आप डिप्टी एडिटर हैं कोलकाता ब्यूरो इंडिया टुडे के। अनुपम जी, 3 सीटों पर वहां चुनाव हो रहे हैं पहले चरण में, अभी जब हम बात कर रहे हैं तब वोट डाले जा रहे हैं, जब नेता नगरी का ये एपिसोड आएगा तब वोटिंग समाप्त हो चुकी होगी। कूच बिहार, अलीपुर द्वार और जलपाईगुड़ी, ये तीनों सीटें 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीती थी। इस बार इन तीनों सीटों में किस सीट पर आपके हिसाब से कांटे का मुकाबला ज्यादा है? ये देखिए, सबसे पहले तो बता दूं कि अभी तक पश्चिम बंगाल में ही पूरे हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज हुआ है, लगभग 70% के आसपास वोटिंग हो चुकी है, तो ज्यादातर लोगों ने वोट डाल दिया है अभी तक का जो समीकरण सामने आ रहा है, और हो सकता है 10% या 12% और वोट पड़े, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो नॉर्मल होता है 72% भी वोटिंग होती है। अब आज जो जिन 3 सीटों पर वोटिंग हो रही है, जलपाईगुड़ी, कूचबिहार और अलीपुर द्वार, इनमें सबसे ज्यादा कांटे का मुकाबला अगर कहीं है तो वो हमें कूचबिहार में देखने को मिल रहा है। कूचबिहार में भी सबसे बड़ी बात है कि वहां MOS होम निशीत प्रमाणिक इस बार पिछली बार जीते थे, इस बार उनका मुकाबला है जगदीश चंद्र बसुनिया से। अब दोनों ही राजवंशी हैं और सुबह से जो थोड़ी बहुत घटनाएं हुई हैं, छिटपुट हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं, ज्यादातर जो घटनाएं आई थी वो तो पिछले 2021 में हमने देखा था, 2019 में भी हुई थी, लेकिन 2021 के मुकाबले अगर इस बार देखा जाए तो हिंसा की घटनाओं में काफी कमी आई है। ये एक बड़ी बात है, पश्चिम बंगाल का जो राजनीतिक चरित्र रहा है खासतौर पर चुनाव के दौरान, हिंसा यहाँ बहुत आम बात हो जाती है। ऐसे में अगर आज का हम चुनाव देखें तीनों सीटों पर, तो जिस तरीके की हिंसा हम देखते आए हैं उसमें काफी कमी आई है, तो ये एक अच्छी बात है, एक अच्छा ट्रेंड है अगर ऐसा चलता रहा तो। दूसरी बात है कि हमें सबसे बड़ी बात है कि जो कांटे का मुकाबला है वो इसलिए है कि राजवंशी समुदाय यहाँ पर सबसे बड़ा समुदाय है, लगभग 50% से ज्यादा राजवंशी समुदाय है यहाँ पर। दोनों ही राजवंशी समुदाय के जो नेता हैं, चाहे जगदीश चंद्र बसुनिया हो या निशित प्रमाणिक हो, इन दोनों में इस बार टक्कर इसलिए भी खास है क्योंकि पिछले कई महीनों से तृणमूल कांग्रेस की ओर से भी राजवंशी समुदाय को लुभाने की कोशिश पुरजोर हुई है, चाहे वो राजवंशी भाषा को स्वीकृति देने की बात हो, विश्वविद्यालय बनाने की बात हो, 200 से ज्यादा राजवंशी स्कूल बनाए गए हैं, तो ऐसी बहुत सारी बातें यहाँ पर हुई हैं जो काफी मतलब टक्कर वाली बना दे रही है इस सीट जी। थोड़ा राजवंशी समुदाय के बारे में और बताएं, हिंदी में उसको कई लोग राजवंशी समुदाय कहते हैं,
पश्चिम बंगाल में उसका उच्चारण राजवंशी है, ये समुदाय की जड़ें उत्तर पूर्वोत्तर भारत से कही जाती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और बताएं कि इलेक्टोरली वहाँ कितना इम्पोर्टेंट है, ऐतिहासिक रूप से कल्चरली कहाँ कहाँ पर प्लेस्ड हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा अगर कोई शेड्यूल कास्ट समुदाय है तो वो उसका प्रतिशत सबसे ज्यादा है राजवंशी समुदाय का, उसके बाद मतुआ समुदाय आता है। तो इनका प्रभाव बहुत ज्यादा है, खासतौर पर उत्तर बंगाल की कूच बिहार सीट पर सबसे ज्यादा है। इसके अलावा अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी में भी ये समुदाय है, और ये समुदाय मेनली जो पूर्वोत्तर भारत में हिमालय की तराई का इलाका है, चाहे नेपाल हो, भूटान से सटा हुआ इलाका हो, बांग्लादेश हो, वहां पर पाए जाते हैं। काफी पुराना इनका इतिहास रहा है, कोच राजाओं का इतिहास रहा है। 15वीं शताब्दी में हमने देखा था कोच बिहार में कोच राजाओं का शासन हुआ करता था, और तब से ही एक एक मांग भी उठी थी कि अलग अलग शासन, अलग राज्य की मांग भी इन लोगों द्वारा उठाई गई थी। केएलओं का भी जन्म हुआ था, एक तरह से अस्थिरता भी थोड़ी बहुत पैदा हुई थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इस समुदाय को स्वीकृति मिलनी शुरू हुई। वाम जमाने में तो काफी मुश्किल था यहाँ पर, एक तरह से यहाँ पर हथियार भी लोगों ने उठा लिए थे, लेकिन जब ममता का शासन आया तब उन्होंने इनकी मांगों को, कुछ मांगों को स्वीकृति देनी शुरू की। और सबसे बड़ी बात है कि वोट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग 20 से 22 जो असेंबली सीट्स हैं पूरे उत्तर बंगाल में, उस पर इनका खासा प्रभाव है, इनके बिना वहां जीतना बड़ा मुश्किल है। तो ये कोच जो राजाओं के वंशज हैं उन्हीं को राजवंशी कहा जाता है। सिर्फ भारत ही नहीं, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान में भी थोड़ी बहुत संख्या में ये पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर हम देखा जाए तो उत्तर बंगाल में, वो भी कूच बिहार में इनकी संख्या लगभग 50% से ज्यादा वोटर्स हैं कूच बिहार में। इसके अलावा जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार और अगर हम थोड़ा नीचे आए तो रायगंज, बालूरघाट में भी थोड़ी बहुत संख्या में ये आपको मिल जाएंगे। थोड़ा निशीथ प्रामाणिक के बारे में बताएं, पहले तृणमूल कांग्रेस में हुआ करते थे, फिर बीजेपी में आए, 2019 का चुनाव कमल के फूल के निशान पर लड़ा, जीते, केंद्र में मंत्री पद मिला, उनके लिए राजनीतिक रूप से ये लड़ाई क्यों महत्वपूर्ण है और इस बार क्यों वो कांटे का टक्कर है, आपने बताया। थोड़ा निशीथ प्रामाणिक के राजनीतिक करियर का एक स्केच आप संक्षेप में खींच सकें। देखिए सबसे पहले वो तृणमूल कांग्रेस में हुआ करते थे, तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेता थे वहां पर कूच बिहार में, लेकिन फिर उन्होंने अपनी पार्टी बदल ली, वो बीजेपी में आ गए, बीजेपी ने उनको टिकट दे दिया। 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ वो राजवंशी होने के नाते उनको टिकट दिया गया, वो जीते भी अच्छे खासे मार्जिन से। जब जीते तो उनको गृह राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया, MOS होम बना दिया गया। ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि राजवंशी समुदाय के लिए भी एक गर्व की बात थी कि उनकी समुदाय की ओर से कोई ऐसा एक प्रतिनिधित्व निकला जो आज भारत का गृह राज्य मंत्री, MOS होम उसको दिया गया है। तो ये निशीथ प्रामाणिक के करियर से अगर हम देखें और पिछले कुछ सालों में और जिस कम उम्र में वो इतनी ऊंचाई तक पहुंचे, तो ये एक सफलता, बड़ी सफलता उनके लिए रही। ऐसे में यहाँ पर दिनहाटा विधानसभा का चुनाव भी उन्होंने लड़ा था 2021 में, जिसमें वो जीते थे, जबकि बड़े 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 कांटे का मुकाबला माना जाता है। और ये जो सीट रही है, इस पहले वाम मोर्चा के पास रही, उसके बाद 2014 में इसे TMC ने जीत लिया, लेकिन 2019 में बीजेपी ने इस सीट को TMC से हथिया लिया। तो ऐसे में बीजेपी के लिए बहुत अहम है निशीथ प्रामाणिक, और निशीथ प्रामाणिक के लिए ये सीट काफी अहम है और यहाँ पर जीत काफी अहम है। लेकिन वहां पर जो उनके चिर प्रतिद्वंदी हैं उदयन गुहा, जो TMC के कद्दावर नेता हैं, उनके साथ हमने देखा पिछले एक महीने से कई बार ऐसे भी मौके आए जब झड़प जैसी होनी शुरू हो गई। तो ऐसे में जो कांटे का मुकाबला, इसलिए मैं कह रहा हूं कि पिछले कई महीनों में TMC ने काफी खासा जोर लगाया है इस सीट पर, राजवंशी समुदाय के लिए काफी कुछ किया है ममता बनर्जी ने, उसको बार बार वो कह रही हैं, उदयन गुहा की ओर से काफी कोशिश की जा रही है, वहीं बीजेपी भी काफी कोशिश कर रही है, तो इसीलिए ये कांटे की सीट बन गई है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े सभी मेहमानों का। वोट पड़ने शुरू हो गए हैं भाई साहब, अंग्रेजी में एक टर्म है पॉलिटिकल एनिमल, हिंदी में कह सकते हैं राजनीतिक जीव, राजनीतिक पशु गलत अनुवाद है। सभी राजनीतिक जीवों के लिए चुनाव का समय उत्साह का, उत्सव का समय है। जैसे होली के मौसम में गुझिया जरूरी है, चुनावी समय में नेता नगरी का दर्शन श्रवण जरूरी है। कुलदीप के साथ रहे आप, देखते रहिए दी ललन टॉप।